ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गणिया श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मदैदं तत्रादरो यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतं स्तुन्वन्ति देवेस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा
शास्तं न विदुसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम को सुनने आए हुए समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो समस्त वेद उपनिषद का सार है। जैसे हम गाय को लें तो गाय का सार क्या है? दूध। गाय का सार क्या है? दूध। वैसे ही समस्त वेद उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवतम। इससे वेदव्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि वेद पुराण इतिहासा नाम सारम सारम श्रीमद् भागवतम। वेद और पुराण का अगर सार है तो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदव्यास जी का सबसे बड़ा अमूल्य धन है। क्योंकि वेदव्यास जी ने जब चार वेद 18-17 पुराण का रचना कर दिया है ना, वामन पुराण मार्कंडेय पुराण है ना, ब्रह्म पुराण गरुड़ पुराण विष्णु पुराण नारद पुराण वायु पुराण है ना मत्स्य पुराण, अनेक पुराणों की रचना करने के बाद वेदव्यास जी ने 100,000 श्लोक वाला श्री महाभारत की रचना की है। और रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे, है ना? इतना सारा लिखने के बाद वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे। संतुष्टि का कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसने अनेक पुराण अनेक इतिहास लिख दिए और अनेक पुराण और इतिहास में लिखा है कि आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये देवता की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, ये कर्मकांड करोगे तो ये मिलेगा, अनेक प्रकार का कर्मकांड के विषय में वेदव्यास जी ने लिख दिया। लेकिन वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे, तो उसी समय नारद जी उसके सामने आए और नारद जी वेदव्यास जी के सामने आकर हंस रहे थे। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं नारद जी को कि आप मुझे बताइए कि मैं इतना सारा लिख दिया है शास्त्र, उसके बाद भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है? तब जाके नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, आपने अनेक पुराण अनेक इतिहास की रचना कर दी है, अनेक श्लोक आपने रचना कर दिए है, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कथा का गान नहीं किया, इससे आप असंतुष्ट हो। देखो भक्तों, आप भागवतम बहुत बार सुने होगे, है ना, बहुत बार सुने होगे। यहाँ मैंने सुना है कि हर साल श्रीमद् भागवतम होता है, वेदव्यास जी जब इतना सारा लिखने के बाद संतुष्ट नहीं थे, नारद जी ने कहा कि अब श्रीमद् भागवतम की रचना करो, और वेदव्यास जी ने है ना ब्रह्म नद्या सरस्वत्या है ना
ना पश्चिम आश्रम में डटे। नारद जी ने बद्री का आश्रम में जाकर श्रीमद् भागवतम की रचना करी, और जब श्रीमद् भागवतम की रचना करी ना तब जाके वेदव्यास जी संतुष्ट हुए। तो देखो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वेदव्यास जी ने इतना पुराण इतिहास लिख दिया उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन संतुष्ट कब हुए हो? जब श्रीमद् भागवतम की रचना किया तब जाकर संतुष्ट हुए, है ना। देखो पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। कैसे? एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे मैं जेपी अग्रवाल जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं यहां आप सबको बोलूं कि जेपी अग्रवाल जी है ना उसका संग मत करना, उसके साथ मत रहना, वो बहुत खराब व्यक्ति है, ये व्यसन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अनेक प्रकार के उसके दूषण में बताऊँ आपको कि उनके साथ मत रहना वरना आप भी बिगड़ जाओगे, है ना। मैं आधा घंटे तक उनकी बुराई करूँ और बुराई करके आपको बताऊँ कि आपको उनके साथ रहना नहीं है, है ना, वरना आप भी कुसंग में आकर बिगड़ जाओगे। मैं आपको आधा घंटे उनके बारे में बुराई करूँ और उसके बाद मैं हंसने लगूँ, हंसते हुए आपको कहूँ कि नहीं भाई, नहीं भाई, ये जो जेपी अग्रवाल जी ना है वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, जेपी अग्रवाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर है, है ना, और स्टूडेंट को बहुत सुंदर पढ़ाते हैं और भगवद्गीता भागवतम पे लेक्चर भी देते हैं, है ना, भगवद्गीता और भागवतम पे प्रचार करते भगवान का, बहुत अच्छे व्यक्ति है, है ना, मैं तो मजाक कर रहा था। तो आप मुझे बताइए कि दो बातों में से आप कौन सी ग्रहण करोगे, बात कौन सी, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली वाली मैंने कहकर मैंने बोल दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वास्तविक क्या है ये? वैसे वेदव्यास जी ने 17 पुराण की रचना किया, बाद में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम रचना करने के बाद वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न चित्त से बोलते हैं, वेद पुराण इतिहासा नाम सारम सारम श्रीमद् भागवतम। और वही श्रीमद् भागवतम पूरे संसार को देने के लिए सोचा कि मैं कैसे दूँ, है ना, इसे भगवान का आह्वान किया, आप जानते हो कथा। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवतम है ना हमारा प्राण है। क्या है? हमारा प्राण है श्रीमद् भागवतम, जो है भगवान का स्वरूप है। वेदव्यास जी कहते हैं तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण की साक्षात मूर्ति है, बोलते ठाकुर है। आप राधा कृष्ण का मंदिर है, आप सामने प्रणाम करते हो, आपके सामने कभी बोले ठाकुर जी? बोले कभी? नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है? बोलते ठाकुर है। वो समझाएगा कि आप कहाँ हो, आपको करना क्या चाहिए, आप कहाँ गलत हो, श्रीमद् भागवतम सिखाएगा। इसे श्रीमद् भागवतम की कथा गांव गांव, घर घर, शहर शहर में होनी चाहिए, है ना। देखो भक्तों, मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं, है ना, दिन रात व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना, कितना भी बड़ा बिजनेस करता है फिर भी वो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, फिर भी कुछ ना कुछ मन में खटकता रहता है, दुखी रहता है व्यक्ति, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। बहुत पैसा होता है, करोड़ों रुपए, तो चिंता रहती कर रहे मेरे पास बहुत पैसे है लेकिन मुझे डायबिटीज है तो खा नहीं सकता है बेचारा, या कोई कुछ रोग हो जाता है। और जिसके पास कुछ पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति है, वो भी चिंता में कि मेरे पास पैसे नहीं है, है ना। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब लोग दुखी है। इससे ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता में 8:15 में श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना, कि मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, ये जगत दुखालय, आलय मतलब समुद्र, आलय मतलब समुद्र, समुद्र में अगाध पानी रहता है, उसका एंड नहीं आता है समुद्र का। वैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार जो है ना, संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, सब लोग दुखी हैं। एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बता दे कि सुखी है ना, है ना, कोई व्यक्ति, भगवान कहते एक व्यक्ति बताए कि मैं सुखी हूं ना, वो व्यक्ति मूर्ख है। कैसे?
क्योंकि वास्तविक समस्या क्या है जीव की, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, बीवी नहीं, बच्चे नहीं है, नहीं। वो आपके कर्म में होगा तो सब कुछ आ जाएगा। हमारे कर्म में लिखा होगा मेहनत करेंगे तो गाड़ी बंगला और पत्नी भी भगवान की कृपा से मिले, बच्चे भी मिल जाएंगे, है ना। वो हमारा प्रॉब्लम्स नहीं है, गर्मी हो रही है एसी चालू कर दो, प्रॉब्लम नहीं है। वास्तविक प्रॉब्लम्स क्या है और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता कही गई है ना। लेकिन भक्तों, दुर्भाग्यवश, इतना दुर्भाग्य है हमारा कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम हमारे घर में है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, पढ़ते नहीं है। पढ़ना चाहिए। हमारा वास्तविक प्रॉब्लम से है कि हमको मृत्यु आती है। क्या आता है? मौत आती है, है ना। कोई बच नहीं सकता मौत से, है ना। कुछ भी करो आप, है ना, चाहे आप धीरूभाई अंबानी को ले लो या सिकंदर को ले लो, कोई भी व्यक्ति, या आपके ही परिवार में कोई जो आपके दादा परदादा है हमारे, उनको ले लो, कौन बचा। मृत्यु हरस्त चाहम, याद रखना, है ना। एक संत तो कहते कि कितने कमा लो हीरे मोती, लेकिन एक याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। जो आखिरी वस्त्र आपको पहना जाएगा ना, उसमें जेब नहीं होती। इससे हमारा वास्तविक प्रॉब्लम से मौत आती है, नहीं चाहते फिर भी आती है। हम रोग नहीं चाहते हैं फिर भी आता है, नहीं चाहते। कोई व्यक्ति चाहते हैं मंदिर में आकर, कोई व्यक्ति घंटी बजाता है कि प्रभु आज मुझे डायबिटीज हो जाए, कहता है कोई, फिर भी कुछ ना कुछ हमको हो जाता है। वृद्धावस्था कोई नहीं चाहता, किसी को बुढ़ा नहीं होना है, है ना, किसी को नहीं होना। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं तो क्या करते हैं, है ना, एशियन पेंट कलर कर देते तुरंत, है ना, बुढ़ा नहीं। दशरथ महाराज से सीखना चाहिए। दशरथ महाराज अपनी गादी पे बैठे थे, राज्य गादी पे, और जैसे ही उसने कांच पे देखा, अपना मुंगट ठीक करने के लिए कांच में देखा, तो कांच में जैसे देखा तो उनको दिखा कि मेरे बाल पक गए हैं। तुरंत वशिष्ठ मुनि को मतलब बताया कि वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मुझे राज्य छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। दशरथ महाराज से सीखना चाहिए। रामायण हमको जीना सिखाती है, भागवत हमको जीना सिखाती है, है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऐसे पवित्र ग्रंथ को छोड़कर अपनी बुद्धि से जीवन जीते हैं। देखो भक्तों, भागवतम कथा तो बहुत है, है ना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अंत नहीं है भगवान की कथा का। लेकिन भगवान की कथा का सार क्या है? भगवान का भजन करना, है ना। ऐसा नहीं कि आप आए भागवतम सुनने आए, है ना, और भागवतम सुना 2-3 घंटे और खड़े हुए और अपने कपड़े ऐसे करके चले गए घर कि प्रभु जी आपका आपको अर्पण, है ना। हम एज इट इज, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लेके जाना है ना। इतने पवित्र ग्रंथ सुनने आए हैं, कुछ लेके जाना है और जीवन जीना है, है ना। बहुत भाग्यशाली हिंडौन गांव के जो रहवासी है, है ना, ये के अरोरा प्रभु और गेरा प्रभु है, और दूसरे कमेटी के जो भक्त हैं, मुझे तो नाम तो सबको नहीं मालूम है, तो सबका धन्यवाद जिसने श्रीमद् भागवतम यहाँ हर साल होता है, लाभ लेना चाहिए। प्रभु जी ने कितने पैम्पलेट छपाए होंगे, कितना अनाउंसमेंट किया होगा, लेकिन कितने लोग आए, है ना, गिने चुने लोग आए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि ठाकुर जी की जिस पे विशेष कृपा होते ना, वो व्यक्ति, है ना, इलेक्शन होता है ना, तब व्यक्ति दिल्ली में जाके सिलेक्ट होता है। लेकिन ठाकुर जी जिसको इलेक्ट करते हैं ना, वो श्रीमद् भागवत में सिलेक्ट होता है, ना, सामान्य व्यक्ति की काम नहीं। तो हमको जीवन का वास्तविक समस्या समझकर, ठाकुर जी को याद करके, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को समझकर उस अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहिए। क्योंकि जो भक्तों का संग है, सत्संग है, उसकी महिमा श्रीमद् भागवतम में गाई गई है। एक कली संतरण उपनिषद में कथा है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को बोला कि हे पिताजी, मुझे आप बताइए कि अनेक वेद हैं, अनेक पुराण हैं,
और कलयुग एकदम नजदीक आ रहा है, और कलयुग में लोग जो है भोग परायण हो गए, हरि परायण नहीं हो गए, क्या हो गए? भोग परायण। तो कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए कौन सा मंत्र दिया है वेदों में? किसने पूछा? नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा, और जैसे पूछा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत नारद जी को कहा, कलि संतन का ये श्लोक है, ब्रह्मा जी अपने मुख से बोलते हैं, बोलते ब्रह्मा जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक्षर नाम नाम कलि कलमश नाशनम। हे नारद, ये जो षोडक्षर का मंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, षोडक्षर नाम नाम कलि कलमश नाशनम, ये कलयुग के समस्त कलमश को नाश कर देगा। क्या है कलमश? है ना, पिता पुत्र की बात नहीं मानता है, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, है ना, बस कंकास झगड़ा रहता है, है ना, कोई किसी की बात सुनने स्वार्थ का संबंध हो गया है ना, तो कलह है। तो कहते इति षोडक्षर नाम नाम कलि कलमश नाशनम, नर्तो न तो पर तो उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, इस षोडक्षर का मंत्र जो है ना, वो कलि के कलमश को नष्ट कर देगा। अच्छा, न तो परो तो उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है नारद। किस कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी, जो भगवान के प्रथम पुत्र है, प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने मुख से नारद जी को कहते हैं, न तो परो तो उपाय, कलयुग में इनके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, तो पिताजी आप कहाँ से बोल रहे हो? अपनी बुद्धि से बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो, या किसी ने आपको कहा है? कहाँ से बोल कहाँ रहे हो? तो नारद जी कहते हैं, सर्व वेदेश दृश्यते, समस्त वेदों मैंने पढ़ा है, समस्त वेद पढ़ के मैंने सार निकाला है कि हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के कलमश को नष्ट करके जीव को परम गति की प्राप्ति कराएगा। ये अपने मुख से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इससे भक्तों, अगर मनुष्य देह मिला है ना, है ना, शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम मानुष देहो, एक मनुष्य देह है ना, बारंबार नहीं मिलता है, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद हमको मनुष्य देह मिला है, और मनुष्य देह मिलने के बाद भी हम खाली खाने में, सोने में, है ना, और पुत्र उत्पन्न करने में और अपनी रक्षा करने में गवा देंगे जीवन, है ना, तो पशु से भी हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि पशु में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि चलो हम सत्संग में जाए, उसमें बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि मनुष्य को भगवान ने दिया है ना, इससे बुद्धि मिली है तो सत्संग करना चाहिए, है ना। भाग्योदयेन सत्संग लभते, कहते हैं के भाग्योदय न सत्संग लभ्यते, जिसका करोड़ों जन्म के बाद पुण्य उदित होता है, भाग्यवान बनता है, तब जाकर उसको सत्संग मिलता है। सामान्य व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता है। और जब करोड़ों जन्म के भाग्य उदय होते हैं, जब सत्संग मिलता है, और सत्संग के द्वारा उनको सच्ची बुद्धि मिलते कि मुझे जीवन में करना क्या है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा। रामायण में देखिए आप, भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या में पधारे, तो भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये मनुष्य देह मिला है ना, तो मनुष्य देह को गवाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए प्रभु? तो कहते भक्तों का, संतों का संग करके और भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। राम अपने मुख से बोलते, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और अपनी मर्यादा के कारण लोगों को सिखाने आए कि जीवन हमको कैसे जीना है, तो भगवान श्री राम प्रजा को कहते हैं कि अगर मनुष्य देह मिला है तो सत्संग करना चाहिए, साधु को संग करना चाहिए ना। तो बोलते कि साधु का संग कैसे होगा, साधु का संग कैसे होगा प्रभु? तो कहते भगवान श्री राम, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संग
सती शन शुद्धि कर अंता, कि पुण्य के पूंज के बगैर सत्संग नहीं मिलता है, है ना। अनेक लोगों को पता है कि यहाँ सत्संग भागवतम कथा हो रही है, लेकिन कितने लोग, थोड़े लोग आते हैं। जिसके पुण्य उदय होते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति सत्संग में बैठ सकता है। बाकी आता भी है ना, तो दो पांच मिनट बैठ के निकल जाता है या सो जाता है। जिसके पुण्य उदय होते हैं ना, भगवान श्री राम कहते हैं, वो व्यक्ति सत्संग में आता है ना। पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता, सत्संग गति सन श्रुति कर अंता। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करेगा ना, है ना, उस संश्रुति का अंत कर सकता है। संश्रुति मतलब क्या है, तो कहते हैं इस जगत से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, बारंबार रोग आता है, बारंबार बुढ़े होते, बारंबार मृत्यु आती, इससे मुक्त हो जाएंगे, भगवान श्री राम कहते हैं। इसे हमको बहुत सावधान से जीवन जीना चाहिए, है ना। गलती नहीं करना चाहिए, खाने सोने में जीवन नहीं व्यर्थ गवाना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाएगी, है ना, पता नहीं कब मौत आ जाएगी, कोई बता नहीं सकता है कि प्रभु जी मेरी मौत 60 साल के बाद है, कभी भी मौत आ सकती है, है ना। मृत्यु आए उससे पहले क्या करना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, कि भगवान श्री राम सिखाते हैं, दिन अपि रजनी सायं प्राश शिशिर वसंत पुनराजात काल ग्रीडति गच्छन आयु तदपि न मुच्यति आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं कि पता नहीं है, काल गृहति गच्छन आयु दिन अपि रजनी सायं प्राश, सुबह होती है और शाम हो जाती है, एक दिन चला गया, वापस सुबह हुई शाम हो गई, दूसरा दिन चला गया। शिशिर वसंत पुनराजात, एक ऋतु आती है चली जाती है, दूसरी ऋतु आती है, हाँ, अनेक ऋतु आई चली गई। काल गृहति गच्छन आयु, ये जो काल है ना, काल रूपी चक्र है, हमारी आयु को क्षीण कर रहा है। एक दिन हम छोटे से बच्चे, अभी युवान हो गए हैं, वृद्ध हो जाएंगे, मौत हो जाएंगे। काल गृहति गच्छन आयु तदपि न मुच्यंती आशा वायु, फिर भी व्यक्ति आशा नहीं छोड़ता है ना। पता है कि मेरे पड़ोसी मर गया है और वो खुद उस पड़ोसी को श्मशान तक लेके जाता है, वो देखता है कि पड़ोसी को श्मशान में चिता में जलाया जा रहा है, वो देख रहा है और वो भी सोच रहा है कि मेरी भी एक दिन बारी आए, सोचता है कि नहीं एक दिन मुझे भी मरना है ना। तब मरकट वैराग्य आ जाता है, है ना, कि एक दिन मुझे भी जाना है, तब वो रोने लगता है वहाँ पर, चिंता में आ जाता है मैं भी मरूंगा। लेकिन जैसे घर में घर पे आता है वापस, तो क्या होता है, वापस भूल जाता है और वापस अपने धंधादारी में लग जाता है, भगवान को भूल जाता है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक साधु के पास गया और साधु को बोला कि हे साधु, हे मुनिवर, मुझे बताए कि मेरा कल्याण किस में, मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु ने कहा कि देख भाई, शास्त्र कहता है कि मरते समय, अंत काल में मरते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। जब मरते समय कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है ना, तो निश्चित भगवान को प्राप्त करता है, इसे जन्म मृत्यु से छुटकर वो भगवान धाम को प्राप्त करता है, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कले। तो साधु ने कहा देख भाई, तो अंत समय में कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है साधु, ऐसे करके चले गया घर पे। उनके चार पुत्र थे, कितने, चार पुत्र थे। तो चार पुत्र को बुलाया कि पुत्र आइए, और पुत्र को बोला कि देखो, मैं अभी साधु के पास गया था और उसने मुझे बोला है कि अंत समय में मुख से किसका नाम निकलना चाहिए,
भगवान का नाम निकलना चाहिए या भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो जब मैं मरूँ ना, आखिर में मरने के एंड में हूँ ना, तब क्या बोलना मेरे सामने, राम कृष्ण जय श्री कृष्ण सीताराम, ऐसे बोलना। ठीक है, तो बोला चारे पुत्र ने कि ठीक है कोई बात नहीं। तो चारों पुत्र ने ऐसा कहा, ठीक है, चार पुत्र चले गए और ये भी अपने बिजनेस में लग गया। ध्यान से सुनिए कथा, बिजनेस में लग गया, एक दिन दो दिन समय जा रहा है और एक दिन वो वृद्ध हो गया और वृद्ध होकर वो बेड पे पड़ा है, एंड मरने के एंड। डॉक्टर ने बोल दिया कि बस अब 2 घंटे है आखिरी, अब आप उसको गंगा जल पिलाओ, पानी पिलाओ, जो भी पिलाओ, पिला दो, आखिरी बात 2 घंटे हैं इनके पास। तो लड़के थे उनके, उनको याद आया पिताजी ने हमको क्या बोला है कि एंड समय में पिताजी के सामने राधे कृष्ण सीताराम भगवान का नाम लेना है। तो सब पुत्र आ गए, पुत्र आ गए तो पिताजी आँख खोले हैं और सो रहे ऐसे। तो पिताजी ने धीरे से बोला, पुत्र ने बोला कि पिताजी बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, बोलिए पिताजी राधे कृष्ण। लेकिन पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो अचानक पिताजी ने बोला कि सबसे बड़ा बेटा कहाँ है, तो बोला कि पिताजी आपके पीछे खड़ा है। अच्छा, उससे छोटा कहाँ है, तो बोला पिताजी वो आपके राइट साइड में खड़ा है। अच्छा, उससे छोटा पुत्र कहाँ है, तो बोला पिताजी आपके चरणों में है, बैठा है, आपके पैर के पास बैठा है। ठीक है, फिर बोला उससे छोटा पुत्र कहाँ है, सबसे छोटा मेरा बेटा कहाँ है, तो बोले आपका छोटा बेटा बाहर गया है कुछ चीज लेने के लिए। तो पिताजी बोले कि नालायको, आप चारों के चार यहाँ हो, वो दुकान का ध्यान तो तुम्हारा बाप रखेगा, ऐसा करके मर गया। समझे आप, साधु ने कहा था अंत समय में मेरा नाम निकलना चाहे मुख से, ठीक है, लेकिन देखो पुत्र भी कह रहे कि पिताजी अंत समय में आप नाम लीजिए भगवान का, देखिए अंत समय में नाम मुंह से नहीं निकला। क्योंकि देखो आप भले सोचते हो, हम भले सोचते कि अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे, हम जब बुद्धे हो गए ना तब भजन करेंगे, ऐसा सोचते हैं। आपको गारंटी है किसी को कि बुद्धे हो गए हम, है ना, कोई गारंटी दे सकता है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता, कभी भी मौत आ सकती है। ये साधु ने कह तो दिया कि अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम ले तो ठाकुर जी कहते हैं कि वो मेरे धाम को निश्चित प्राप्त करेगा, लेकिन अंत समय में आपके मुख से नाम निकले और ठाकुर जी का स्मरण हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, स्मरण होगा। इससे अभ्यास रखना चाहिए भगवान का नाम का, भगवान की कथा सुनने का, है ना, ये सब अभ्यास रखना चाहिए। हमको तो एक ही अभ्यास है, क्या है, 3 टाइम खाने का, बिजनेस जाने का, सुबह जाके। देखो थोड़े इस शब्द में जो आपको बोल रहा हूँ ना वो कटु है, आपको यहाँ लग रहा होगा प्रभु जी भागवतम को स्वीट है पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन एक याद रखना आप कि मैं आपको कटु वचन बोला हूँ, ये वचन है ना वो ठाकुर जी के है, ठाकुर जी में ऐसे कटु वचन बोले हैं, है ना। कोई व्यक्ति को अगर फोड़ा, फोड़ा बोलते हैं ना, फोड़ा हुआ है और उनको डॉक्टर के पास ले जाए और वो डॉक्टर उसको छुए, तो बोले नहीं नहीं छुए मत, डॉक्टर ने बोला नहीं इसको काटना पड़ेगा, नहीं नहीं काटिए मत, काटिए, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, पूरा पैर काटना पड़ेगा तेरा, तेरा है ना, वो दुखेगा थोड़ा तुझे, दर्द होगा, लेकिन जब दर्द होगा तुझे ऑपरेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, तू चल फिर सकेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा तू। वैसे अभी क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, अज्ञान रूपी गांठ जो लगी है ना हमारी, उनका ऑपरेशन हो रहा है, सत्य बात है। उसको स्वीकार करके अगर ठाकुर जी का भजन करोगे ना, है ना, तो जीवन धन्य हो जाएगा। और मुझे है ना मस्का मारना तो बहुत आता है, लेकिन मैं मस्का मारना नहीं चाहता हूँ, है ना, हमारी इच्छा है कि हम व्यासपीठ पे बैठे हैं और व्यासपीठ पे बैठ के वक्ता का एक ही कर्तव्य होता है कि सामने वाले श्रोताओं का कल्याण कैसे हो। 3 दिन की कथा है, 2-2.5 घंटे कथा होगी और कथा होगी
हम हमारे रास्ते पे चले जाएंगे जो प्रचार हम कर रहे हैं, है ना, और आप अपने घर में चले जाओ। करना क्या है वो सीख लीजिए आप, क्या करना है जीवन में, है ना। कहने का तात्पर्य है कि मौत आए उससे पहले भगवान का भजन कर लेना चाहिए, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में एक दिन की बात है कि कलयुग का समय निकट आ गया, और कलयुग का समय निकट आ गया तो 88,000 ऋषि मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को कहते कि हे ब्रह्मदेव, हम आप हमको बताइए कि कलयुग के उद्धार के लिए हमको यज्ञ करना है, कलयुग नजदीक आ रहा है और कलयुग के उद्धार के लिए हमको यज्ञ करना है, तो हमको स्थान दीजिए। क्या दीजिए? स्थान दीजिए। तो कलयुग में कोई स्थान पवित्र नहीं है, हमको कोई स्थान दिए जहां बैठ के यज्ञ कर सके, 88,000 ऋषि मुनि ने कहा। तो ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया और चक्र घूमते घूमते नैमिषारण्य क्षेत्र में गिरा। अभी लखनऊ जाएंगे ना तो लखनऊ से 60 किलोमीटर दूरी में नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां श्रीमद् भागवतम की कथा हुई थी, और जहां वो चक्र क्षीण हो गया, उस चक्र की धार क्षीण हो गई, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य। तो 88,000 ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए, और जैसे यज्ञ 1,000 साल यज्ञ करने का संकल्प लिया, और जैसे ही यज्ञ करने बैठे, यज्ञ चालू किया, तो अनेक ऋषियों ने प्रश्न किया। ऋषि मुनि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हम 1,000 साल यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा कि 1,000 साल तक हम यहाँ रहेंगे तो हमारा भोजन का व्यवस्था कैसे होगा, हमारे कपड़े की व्यवस्था कैसे होगी। तो अनेक ऋषियों में से एक मुनि था जिसका नाम था शौनक मुनि, और शौनक मुनि खड़े हुए, भृगुवंशी शौनक मुनि, और शौनक मुनि कहते हैं कि हे ऋषिवरो, ध्यान से सुनिए, है ना, आप भोजन की और कपड़े की चिंता करते हो, आपको स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आप किसका यज्ञ करने के लिए बैठे हो, आप भगवान के लिए यज्ञ करने बैठे हो, और भगवान का एक नाम है विश्वंभर। क्या नाम है? विश्वंभर, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण के लिए यज्ञ करने बैठे हो, और आप भोजन और कपड़े की चिंता करते हो। भोजन अच्छा धने चिंता ना कर वृथा विष्णवा, आप भगवान का कार्य करने बैठे हो और आप चिंता करते हो खाने पीने की, क्योंकि भगवान का एक नाम है विश्वंभर, भगवान समस्त विश्व का भरण पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये अग्नि, ये वायु और एक पानी, तो समस्त सृष्टि मेरे द्वारा बनी है, सब कुछ मैं देता हूं। ठाकुर जी ने कहा श्रीमद् भगवद गीता 4.4 पढ़ लीजिए आप। ठाकुर जी कहते हैं कि अग्नि, हवा, आकाश, पानी और वायु, सब कुछ देने वाला मैं हूं। हम जो श्वास लेते हैं ना, कौन देता है? भगवान देते हैं, भगवद गीता में कहते हैं। आप मान लीजिए कोई 4-व्हील पड़ी है 15 लाख की, और उस 4-व्हील पे आप ऐसे खड़े हो, और कोई व्यक्ति आता है और आपको पूछता है कि प्रभु जी यहाँ क्यों खड़े हो आप, गाड़ी आपकी है? तो आप कहो यस मेरी है गाड़ी। ये गाड़ी आपकी नहीं है, फिर भी आप बोलोगे मेरी गाड़ी है तो क्या होगा, है ना, वो ठीक नहीं है, गाड़ी आपकी नहीं है, आप नहीं कह सकते मेरी गाड़ी है, ना। ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, इसे ठाकुर जी कहते हैं खुलेआम, है ना। भगवत गीता जब ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा ना, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ने कहा हो, हे अर्जुन इधर आ, इधर इधर, और कोने में ले गए हो और कहा हो कि देख ये सृष्टि है ना मेरे द्वारा बनी है, ऐसा नहीं कहा। खुलेआम महाभारत में
में वेदव्यास जी कहते हैं शिव ब्रह्मा अनेक ऋषि मुनि अनेक देवी देवता सब आकाश में महाभारत के युद्ध देखने खड़े थे। और ठाकुर जी भगवद गीता का गान करते हुए अर्जुन को कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, हे अर्जुन समस्त सृष्टि मेरे द्वारा बनी है। ये भगवान कहते हैं, भगवान के मुख से शब्द निकला है। आपने कभी सुना है कि शिव जी कहते कि सब मेरे अंश हैं जीव? नहीं, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा, है ना। लेकिन भगवान कहते ममे अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये समस्त जीव चाहे मनुष्य हो देवता हो चींटी हो या कोई पशु पक्षी हो समस्त जीव मेरे अंश है, ठाकुर जी के। इसे सब कुछ देने वाले भगवान है, हवा देने वाले भगवान है, 24 घंटे हमको पानी देते हैं भगवान देते हैं, 24 घंटे हवा देते हैं भगवान देते हैं, अग्नि देते हैं, हम जो अन्न पकाते हैं ना अग्नि के द्वारा अग्नि भगवान देते हैं। और हमारे शरीर में भी क्या है, जठरा अग्नि है, इसे तो जो खाते हैं ना वो पाचन होता है। हमारे अंदर जठरा अग्नि है, तीन प्रकार की अग्नि है, कौन कौन सी? एक तो पेट में है जठरा अग्नि, है ना, जो तीन टाइम हमको परेशान करती है। दूसरी है दावा अग्नि जो जंगल में लगती है, और तीसरी बड़वा अग्नि जो समुद्र में लगती है। तीन प्रकार की अग्नि, और ये अग्नि है ना जो, है ना, तो भगवान कहते हैं कि विश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, कि जो मनुष्य के अंदर जो जठर की अग्नि है ना वो अग्नि मैं हूं, भगवान ठाकुर जी कहते हैं। भगवत गीता पढ़ेंगे ना, अर्जुन ने ठाकुर जी को 16 प्रश्न किए भगवत गीता में, और 16 प्रश्न का जवाब देते हुए ठाकुर जी भगवत गीता का गान किया है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लोगे ना, आपके जीवन में जितनी भी समस्या है ना वो समस्या का समाधान हो जाए। ठाकुर जी ने हमारे कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत को दिया। लेकिन हमको जो प्रॉब्लम आती है ना जीवन में, तो क्या करते हम, हमारे स्वजन के पास जाते हैं, हमारे पिताजी के पास जाते हैं ना, अनेक व्यक्ति के पास जाते हैं हमारी समस्या लेके, लेकिन नहीं, कोई हमारी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता है ना। हाँ, हम जब एंड में मरने के एंड में हो गए ना, तो हमारे स्वजन आएंगे सब, जो हम दिन रात कहते हैं ना कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, पत्नी बच्चे स्वजन सब लोग आएंगे सामने खड़े हो गए, है ना, आपके सामने खड़े रहकर आपको मरता हुआ देखेंगे, हमको मरता हुआ देखेंगे, रोएंगे, लेकिन बचा नहीं सकेंगे वो ना। बचा सकता है ना तो एक ही है, वो है देवकी का लाल भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो काल का भी काल है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना ऐश्वर्य दिखाया, तो अर्जुन ने कहा कि ठाकुर जी आप कहते हो कि नदियों में मैं गंगा हूं और देवताओं में मैं इंद्र हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, भगवान अपनी विभूति गिनाई, देवताओं में मैं प्रहलाद हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, भगवान ने कहा भगवद गीता में। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी आप कहते हो कि सब मैं हूं, तो आप बताइए मुझे, है ना, आप मुझे लाइव बताइए, क्योंकि अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग के पाखंडी लोग भी कहेंगे कि मैं भी इंद्र हूं, मैं भी समुद्र हूं, मैं भी ये हूं, है ना, कलयुग में पाखंड आएगा, लोग कहेंगे, वो भी भगवान अपने आप को मानेंगे। अगर आप भगवान हो और आप कह रहे हो तो आप क्या करो, दिखाओ अपने आप को। तो भगवान ने क्या दिखाया, विश्व विराट स्वरूप दिखाया। जिस पितामह भीष्म को मारना नहीं चाहता था अर्जुन, और भीष्म पितामह भगवान की डांट में उल्टे लटके थे, भगवान ने कहा मैं ये सब लोगों को लेने आया हूं। अर्जुन को पसीना आ गया, ये विश्व विराट स्वरूप देखकर अर्जुन को पसीना आ गया, और अर्जुन ने कहा कौस्मी आप कौन है, भूल गया भगवान को, भूल गया, बोला कौस्मी कौन है आप, तो भगवान ने कहा कालोस्मी, मैं कौन हूं, काल। ये सबको लेने आए भगवान अर्जुन को, कहते कि देख अर्जुन तू कहता है ना कि मेरे दा
मामा को, मेरे गुरु को नहीं मारूंगा मैं, है ना। तू मना कर रहा है युद्ध करने के लिए, याद रखना तू नहीं तेरे पांच भाई युद्ध भूमि से चले जाओगे ना, फिर भी इसमें से एक भी घर नहीं जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि मैं धर्म का स्थापना करने के लिए आया हूं, मैं काल हूं साक्षात, इस समस्त अधर्मियों को मारने आया हूं। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये बड़ा युद्ध करवाया महाभारत का, अरे विचार करे, शास्त्र तो पढ़िया ना। जो व्यक्ति कहता है कि महाभारत का युद्ध में भगवान ने करवाया और लाखों सैनिकों को मरवा दिया, वो तो मूर्ख की वाणी है। शास्त्र तो पढ़िए, वेदव्यास जी क्या कहते, नारद जी क्या कहते हैं। अरे मनुष्य देह मिलाए, थोड़ी बुद्धि चलाइए, कोई आपको कह दे तो स्वीकार मत करिए यार, मत स्वीकार करो, शास्त्र पढ़ो। क्या नारद जी, वेदव्यास, असित देवल, ब्रह्मा जी, शिव जी ने कहा है, तो स्वीकार करो उनको। अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के वेद है, अनेक प्रकार के शास्त्र है भक्तों, ना। लेकिन विवेक बुद्धि के द्वारा हमको समझना चाहिए कि मुझे करना क्या है ना? पर हम जो अभी कर रहे हैं ना, वो सामान्य पशु भी कर रहे हैं, और यही काम करते करते मर जाएंगे ना, ना कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसे वेदव्यास जी महाभारत में कहते हैं, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान एतेत पशु भेर नराणा। आहार, खाना, निंद्रा, भय, अपनी रक्षा करना, और मैथुन, ये चार कार्य पशु भी करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतेत पशु भेर नराणा, पशु भी करते हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए मनुष्य को, तो कहते पशु जीवन से ऊपर उठना चाहिए। धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो, धर्मनहीन नर पशु भी समाना। और मनुष्य देह मिला है ना, तो धर्म का पालन करना चाहिए, इसे अपनी बुद्धि से जीवन नहीं जीना चाहिए। तो कैसे जीवन जीना चाहिए, तो कहते श्रीमद् भागवतम में के तर्को अप्रतिष्ठो श्रुति विभिन्ना नार्तो यस्सम मतम न भिन्नम। अनेक व्यक्ति को पूछोगे, अनेक व्यक्ति का अनेक मत है, वो कहेंगे ये भगवान है, वो कहेगा वो भगवान है, अनेक प्रकार के भगवान है ना, है ना। आप एक गलत मत लगाना, लेकिन अभी क्या होता है पता है, घर घर में जाते हैं ना हम, मैं तो पूरे इंडिया में घूमता हूँ, घर घर में हम जाते प्रचार करने के, बहुत जगह पे जाते है ना। तो क्या होता है, घर में हम मंदिर देखते हैं लोगों का, तो अनेक प्रकार की देवी का फोटो होता है, अनेक प्रकार के भगवान का फोटो होता है, वो खुद कंफ्यूज है इसमें भगवान कौन है, खुद कंफ्यूज है। कभी शिव जी के पास जाता है, कुछ मांगता है, नहीं मिलता है, तो शिव जी को साइड में रख के साईं बाबा को पकड़ता है, वहां आरती करता है, नहीं पता है हमको। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र का और साधु संतों का सहारा मिल लिया है। अरे मनुष्य देह मिला है, ऐसे कंफ्यूज होकर मर जाएंगे हम। भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम जो समस्त वेदों का सार है, नारद जी वेदव्यास है ना, इससे कहते हैं किसके पीछे चलना चाहिए, तो कहते महाजनो एन गतस पंथा, जो महाजन जिस रास्ते पे चले ना, उस रास्ते पे चलना चाहिए, अभी के काले माथे के मानव के पीछे नहीं चलना चाहिए। महाजन कौन है, तो वेदव्यास जी गिनाते हैं, स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, स्वयंभू, शंभु, नारद, कुमार, कपिल, मनु, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, प्रहलाद, बलि, वैयासकी, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, जिसने श्रीमद् भागवतम गाया है, और वयम मतलब यमराज स्वयं, जो श्लोक बोल रहे हैं, इन लोगों के पीछे चलना चाहिए। यमराज जी क्या करते हैं, विश्व पितामह क्या करते हैं, नारद जी क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके पीछे चलना चाहिए बहुत सावधानी से, है ना। शब्द थोड़े से है ना कटु है, लेकिन सत्य है। दिमाग लगाकर आप सोचोगे ना, आपको गारंटी दे दो जीवन सुधर जाएगा, है ना। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैंने कोई फिक्स नहीं किया है कह के अरुरा जी से, प्रभु जी से, है ना, हमारे कृष्ण कुमार प्रभु से कोई फिक्स नहीं किया, प्रभु जी 3 दिन की कथा होगी, इतने पैसे लूंगा मैं, और पोथी पर जो भी आएगा वो मेरा नहीं,
मैं यहाँ एक पैसा लेके जाने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु की आज्ञा है कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करो और मनुष्य को सिखाओ कि भगवान क्या कह रहे हैं, जिससे उनका जीवन का उद्धार हो ना। दूसरी कोई गिनती नहीं है। वेदव्यास जी की व्यासपीठ है और यहाँ से वही बोला जाता है जो वेदव्यास जी ने बोला है। अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। इसे यहाँ तो वही बात भी है जिससे आपका कल्याण, आपको कटु लगेगा, ठीक है, ऑपरेशन होता है तो दुखता तो है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन कटु लगेगा लेकिन सत्य है। हमारा जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए हमको, है ना। तो 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे, अचानक वहाँ सुत गोस्वामी आते। सुत गोस्वामी रोमहर्षण सुत के पुत्र है। जब परीक्षित महाराज, है ना, परीक्षित महाराज कौन थे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज। वो परीक्षित महाराज जब गंगा के किनारे आए और गंगा के किनारे आकर सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे और कथा हो रही थी, तभी सुखदेव गोस्वामी के एग्जैक्ट सामने परीक्षित महाराज बैठे थे और पीछे अनेक ऋषि मुनि बैठे थे और परीक्षित महाराज के साइड में सुत गोस्वामी बैठे थे। वही सुत गोस्वामी ने पूरा श्रीमद् भागवतम सुना था और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये जो सुत है ना, वो सुत आगे जाकर नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएगा। तो वही सुत गोस्वामी विचरण करते करते नैमिषारण्य क्षेत्र में आए जहाँ 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए बैठे थे। 88,000 ऋषि मुनि ने सबने देखा दूर से कि सुत गोस्वामी आ रहे और सुत गोस्वामी का प्रभाव जानते थे कि सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को सुन के आए हैं। किससे? सुखदेव गोस्वामी से, जो वेदव्यास जी के पुत्र हैं। तो सोचा कि हम भी सुनेंगे उससे, उनके मुख से श्रीमद् भागवतम। अच्छा, तो समस्त ऋषि मुनि ने सोचा कि अगर हम श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा करते हैं ना, तो पहले यज्ञ बंद करना पड़ेगा। जब हम यज्ञ बंद करेंगे ना, यज्ञ चालू रखेंगे, तो सुत गोस्वामी आएंगे और सुत गोस्वामी हमको कथा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे यज्ञ करते रहो आप, कथा नहीं कहेंगे। इसे क्या करना चाहिए? उनके पास जाके जिज्ञासा करनी, हमको श्रीमद् भागवतम की कथा को, भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा को। तो पहले कहा इस यज्ञ को बंद करो। इसे यज्ञ बंद करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, पानी डाल दिया और रेत डाल दिया। उसने सोचा धुआं भी अंदर से नहीं निकलना चाहिए, अगर धुआं निकलेगा ना तो भी सुत गोस्वामी को शंका होगी, लोग यज्ञ कर रहे थे हमको कथा नहीं सुनाएंगे। यज्ञ कर दिया बंद और जैसे ही सुत गोस्वामी आए, सुत गोस्वामी को आसन दिया और सामने समस्त ऋषि मुनि बैठे। और ऋषि मुनि जैसे बैठे और ऋषि मुनि बैठे तुरंत वहां समस्त ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभु, के जो अज्ञान है उसको नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभो सुदुख्याय कथा सारम मम कर्ण रसाय, कि आप हमको ऐसी कथा कहो जो हमारे कान को अच्छी लगे, भगवान की दिव्य लीला सुनाओ हमको, जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। देखो भक्तों, अज्ञान तब तक ठहर सकता है जब तक ज्ञान न आए, और जब ज्ञान आ जाता है ना तो अज्ञान नहीं ठहर सकता है। जैसे कोई कमरा होता है, उस कमरे में 1,000 साल तक अंधेरा है, 1,000 साल तक, और 1,000 साल के बाद कोई व्यक्ति वहां आता है और छोटा सा बल्ब लगाता है, बल्ब बोलते हैं ना, बल्ब लगाता है, बल्ब को चालू करता है, तो क्या होगा, समस्त अंधकार नष्ट हो जाएगा। वो अंधकार ऐसा नहीं बोल सकता है कि देख भाई हम 1,000 साल से यहां थे, हम 1,000 साल से यहां थे, ऐसे हम नहीं जाएंगे, ऐसा बोल सकता है अंधेरा?
जैसे उजाला आता है ना अंधेरे को भागना पड़ता है, वैसे अज्ञान तब तक है जब तक ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ज्ञान आ जाएंगे ना तब अज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। इससे दिव्य ज्ञान करने सुनने की इच्छा रखनी चाहिए, और यही दिव्य ज्ञान सुनने की इच्छा रखकर समस्त ऋषि मुनि ने यज्ञ बंद कर दिया और क्या सुनने के लिए बैठ गए, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने के लिए बैठ गए। और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने के लिए बैठे और कहते कि चिंता मणि लोकम सुखम शुद्ध सर्ग संपदम प्रच्छो। कहते हैं सुद्गोस्वामी को कि अगर कोई व्यक्ति को पारसमणि मिल जाए ना, पारसमणि मिल जाए तो उस व्यक्ति को इस संसार का समस्त धन प्राप्त हो सकता है, और अगर चिंतामणि मिल जाए तो उनको स्वर्ग का समस्त धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन हे सुद्गोस्वामी, आपके जैसे गुरु साधु का संग हो जाए ना, तो कहते हैं योगी वैकुंठ दुर्लभम, उसको भगवान का धाम मिल जाएगा। ये जो स्वर्ग का जो धन है ना वो तो नश्वर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम सोचते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते, जन्नत है ना, जन्नत में जाना चाहते, स्वर्ग में जाना चाहते। लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले ठाकुर जी स्वर्ग के बारे में क्या बोल रहे वो देख लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कहते हैं 9.20 नौवां अध्याय 20वां श्लोक, उसमें ठाकुर जी कहते हैं स्वर्ग के विषय में, तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम। हे अर्जुन, स्वर्ग लोक बहुत विशाल है, 10,000 साल तक व्यक्ति वहां जिंदा रहता है, बहुत सारे भोग है, ऐश्वर्य है। लेकिन लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति, जैसे व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता है वापस वो यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाता है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल मोबाइल में अगर मान लीजिए मैं 500 रुपये का बैलेंस पूरा हूँ, और 500 रुपये का बैलेंस पुराने के बाद मैं इसका यूज़ करूँ, जब 500 रुपये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वापस उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा वरना फोन नहीं लगेगा, समझा। वैसे आप जो अपनी पुण्य की पूंजी एकत्रित करके यज्ञ दान तपस्या होम हवन करके स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हो, स्वर्ग में चले गए, लेकिन ठाकुर जी कहते जैसे आपके पुण्य समाप्त हो गए ना, तेतम भूत्वा विशालम लोकम क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति, वापस उसको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग से भगवान के धाम जाने का रास्ता, इसे रास्ता भगवान के धाम जाने का वेदव्यास जी कहते हैं खाली पृथ्वी लोग है ना। श्रीमद् भागवतम ओनली पृथ्वी लोग में है ना, वेदव्यास जी कहते हैं न स्वर्गे न सत्य न वैकुंठे न कैलासे अयम रस। ये जो रस है ना श्रीमद् भागवतम का, वो सत्य लोक में ब्रह्म लोक में भी नहीं है, वैकुंठ लोक में भी नहीं है, कैलाश में भी, स्वर्ग में भी नहीं। अतो पिवंती सद्भाग्या मामा मुंचंत कर ही जी, इसे है सद्भाग्य जीवो एक पृथ्वी लोक के जीवो, आप इस श्रीमद् भागवतम को क्या करो, पियो, क्या करो, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम। भागवत को क्या कहा है, पीना चाहिए, दिन रात सुनना चाहिए है ना। ये जो देखो भगवान ने हमको मुख कितने दिए हैं, एक दिए है, जिह्वा एक दिए है, कान कितने दिए हैं, दो दिए। ठाकुर जी हमको कह रहे कि भाई तुझे मैं 2 कान इसलिए दे रहा हूं और 1 मुंह इसलिए दे रहा हूं कि तू कम बोल, बोलना कम है और ज्यादा सुनना है, क्या सुनना है, मेरी कथा सुननी है, इसलिए 2 कान दिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वही 2 कान से है ना संसार का कचरा डालते रहते हैं है ना, और हृदय इतना गंदा कर दिया हमने, उससे गंदे हृदय से गंदे मन से हम कुछ अच्छा विचार भी नहीं कर सकते। पता है कि यहाँ कथा हो रही, पैम्पलेट आ गया है, 3 दिन की कथा है श्रीमद् भागवतम की, सुनता है, पढ़ता है, समझता है, फिर भी आता नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर पाप भरा है ना।
अरे भक्तों, इस शरीर मिला है हमको, अनेक करोड़ों जन्म के पाप है, इसलिए तो हमको बार बार शरीर मिलता है, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, ना अनेक शरीर मिलता है। पर अनेक शरीर को प्राप्त करने के बाद मनुष्य देह मिला है, ये जो शरीर मिलता है ना बारंबार, उसका फल है पाप। हम दिन रात पाप करते, इसलिए बार बार हमको हार मास का शरीर मिलता है, और इस शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। कदम कदम पर पाप अनेको, तूने नित्य कमायो। कदम कदम पर व्यक्ति पाप करता है ना, नित्य पाप करता है। हाँ, वो पाप दूर हो, पाप दूर हो सकता है, पाप दूर होकर वो व्यक्ति दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकता है, अगर वो सत्संग करे तो। लेकिन कभी ना सत्संग में प्यारे, तूने हरि गुण गाया। लेकिन सत्संग में तो कभी गया नहीं। पाप दूर हो सकते हैं, है ना, हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, और अच्छे हृदय से हम अच्छा विचार कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सत्संग नहीं करते। तो ऋषि मुनि ने तुरंत प्रश्न किया कि आपके जैसे व्यक्ति मिल जाए ना, है ना, तो निश्चित हम उनको भगवान का धाम मिल जाए। और सुत गोस्वामी के सामने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, और कथा सुत गोस्वामी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम महात्म्य, और महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है कि जब सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज बैठे थे, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनना जैसे ही प्रारंभ किया, कथा कहना सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ किया, उसी वक्त कौन आए, स्वर्ग के समस्त देवता वहां आए। और जैसे समस्त देवता वहां आए, उस देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, जो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे। देखो, परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप लगा था, आप कथा जानते हो, 7 दिन में परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी। जैसे मृत्यु होने वाली थी, परीक्षित महाराज गंगा के किनारे आए, और गंगा के किनारे आए तो पता चला, वायु वेग से पता चल गया कि सम्राट राजा परीक्षित समस्त राजपाट छोड़कर गंगा के किनारे आए हैं। तो समस्त ऋषि मुनि आ गए वहां, और ऋषि मुनि कहते हैं कि आप कोई ऋषि मुनि कहता है कि आप यज्ञ कीजिए, कोई ऋषि मुनि कहता है कि आप दान दीजिए, कोई ऋषि मुनि कहता है आप अनुष्ठान कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं, है ना, कि नहीं, तमोपयातम प्रतियम तु विप्रा गंगा च देवी मेषे द्विजोपसृष्टा कुहका तक्षकवा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। कि मेरा भाग्य है कि आप हे ब्राह्मणों, आप मेरे सामने हो, एक गंगा के किनारे में बैठा हो, जो गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है, और हे ब्राह्मणों आप मेरे सामने हो, है ना, अब मुझे तक्षक मारे या कोई भी मारे, आपको मेरे सामने क्या करना है, गायत विष्णु गाथा, एक ही काम करना है, भगवान की कथा कहो, मुझे दूसरा कुछ सुनना नहीं है। देखो, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था, कितने 7 दिन थे, 7 दिन में तक्षक नाग दंश मार के परीक्षित महाराज के शरीर को नष्ट करने वाला था, तो 7 दिन में परीक्षित महाराज ने किसका सहारा लिया, श्रीमद् भागवतम, सत्संग का सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया। उनको कंफर्म था परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के बाद ही मेरी मौत आने वाली है, हमारे पास कोई कंफर्म डेट है नहीं। सोचिए, परीक्षित से सीखना चाहिए हमको, है ना, 7 दिन था उनके पास, ने किसकी शरण ले ली, भगवान की शरण ली, और 7 दिन की शरण लेने के बाद आगे कथा आएंगी, भगवान के धाम में चले गए। तो परीक्षित महाराज जैसे बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी जैसे कथा प्रारंभ करने जाए, स्वर्ग के देवता आए, और देवता स्वर्ग के अमृत का कलश लेके आए थे,
और कलश लेके आए और बोला, हे सुखदेव गोस्वामी, हे मुनिवर, हमको पता है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप लगा है। 7 दिन के बाद उनको तक्षक डंश मारेगा और जैसे ही डंश मारेगा और वो मर जाएंगे, तो हम अमृत लेके आए हैं, उनको पिला दीजिए। ध्यान से सुनिए कथा, कहा कि अमृत आप परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, जैसे परीक्षित महाराज को अमृत स्वर्ग का पिला देंगे तो परीक्षित महाराज की उम्र बढ़ जाएंगे, वो मरेंगे नहीं 7 दिन, और ये जो कथा अमृत है ना वो हमको पिला दीजिए। ये कथा किसको पिला दीजिए? हमको दीजिए, और परीक्षित को ये हमारा अमृत पिला दीजिए। सोचिए, देवता श्रीमद् भागवतम अमृत पान करने के लिए आए, है ना। सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर कहते हैं कि आप सामान्य स्वर्ग का अमृत के सामने कथा अमृत की तुलना करते हो, है ना। हम कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत, अगर स्वर्ग का अमृत ही श्रेष्ठ होता ना तो स्वर्ग के देवता उस अमृत के बदले कथा अमृत लेने नहीं आते, है ना। तो इससे साबित होता है कि स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ क्या है? श्रीमद् भागवतम कथा अमृत, है ना। क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है ना वो हमको दीर्घ जीवन दे सकता है। ध्यान से सुनिए आप, स्वर्ग का अमृत है वो दीर्घ जीवन दे सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम है ना वो दिव्य जीवन दे सकता है ना। स्वर्ग का अमृत पीकर हम जन्म मृत्यु से छूट नहीं सकते, संसार से छूट नहीं सकते हैं। हाँ, हमारी उम्र बढ़ जाएगी, इनके छूट नहीं सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम कथा अमृत कोई पीता है ना वो व्यक्ति अमर हो जाता है, भगवान के धाम प्राप्त करता है ना। इससे श्रेष्ठता है ना वो भागवतम अमृत की। और वहीं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क सुधा क कथा लोके व काच को मणि महा, क्या आपका है तुच्छ काच समान अमृत और कहा है मणि समान श्रीमद् भागवतम। आप एक तुच्छ अमृत के साथ श्रीमद् भागवतम की तुलना करते हो, भागो यहां से, अमृत नहीं कथा नहीं सुनाई, भगा दिया सबको, है ना। इससे वहां कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभ, श्रीमद् भागवतम की जो कथा है ना वो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन किसको मिल गई है? हम सबको मिल गई। पीवत, इससे क्या कहते हैं? पियो आप, देवताओं को भगा दिया श्रीमद् भागवतम में। नहीं देखो, श्रीमद् भागवतम में अगर वो आए होते देवता और देवता शांति से पीछे बैठ गए होते तो क्या सुखदेव गोस्वामी मना करते? नहीं, श्रीमद् भागवतम में सबका अधिकार है, सब लोग बैठ सकते हैं, चाहे कोई भी ज्ञाति का व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबका अधिकार है भगवान पर। तो अगर देवता पीछे अगर बैठ गए होते तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन देवता अपने अहंकार के द्वारा एक बिजनेस करने आए थे, सौदा करने आए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सबको निकाल दिया, भागो यहाँ से। और देवता चले गए, लेकिन देवता ने सोचा कि देखो हम अकेले आए हैं और पत्नियों को कह के आए हैं कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, और तुरंत जाएंगे तो हमारी पत्नियाँ पूछेंगी कि तू क्यों कथा नहीं सुनी आपने, पास वापस क्यों आया, है ना, कहेंगी तुरंत। तो क्या मुंह दिखाएंगे हम, इसे काम करो, एक साधु ने हमारा अपमान किया है, अपमान क्यों किया, हम चल तो ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी को पूछेंगे कि हमारा अपमान हुआ है, उसको सजा मिलनी चाहिए उस साधु को। तो ब्रह्मलोक में जब गए ना तो ब्रह्मा जी को कहा, समस्त बात बताई कि ऐसा हमारा अपमान हुआ है। जैसे ही ब्रह्मा जी को कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं ना, उसी समय वहां से एक विमान निकला, भगवान के धाम का विमान निकला। उस विमान में कौन बैठा था? परीक्षित महाराज बैठे थे और भगवान के धाम में जा रहे थे, और समस्त देवताओं पर ब्रह्मा जी को परीक्षित ने कहा, टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ। मतलब देवता ब्रह्मलोक में गए ना फरियाद करने के लिए, उससे उस टाइम में 7 दिन समाप्त हो गए, श्रीमद् भागवतम सुनकर परीक्षित महाराज भगवान के धाम को प्राप्त कर गए।
जैसे दृश्य देखा ना, पद्म पुराण में कथा, जैसे दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी की कितनी आंखें हैं? ब्रह्मा जी के चार मुख है, आठ आंखें हैं, तो आठें आंख फट गई। अरे सात दिन का कथा सुना और भगवान के धाम को प्राप्त हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं राज्ञो मोक्ष तथा विक्षम पूरा धाता अपि विस्मित। पूरा धाता अपि विस्मित, भगवान के नाभि कमल में से जो पहला पुत्र, पहला जीव उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। अरे सात दिन की खाली कथा सुनी और भगवान के प्राप्त, भगवान को प्राप्त हो गया। यहाँ लोग हजारों साल तक तपस्या करते, यज्ञ दान हवन होम अनेक प्रकार का अनुष्ठान करते, फिर भी भगवान का धाम नहीं मिलता है, और ये सात दिन का कथा सुना और भगवान के धाम को प्राप्त हो गया, कैसे हो सकता है? है ना, तब कहते हैं कि सत्य लोक के तुला बंधवाए, सत्य लोक में एक दिव्य तुला बंधवाए, है ना। देखो ये भागवतम कितना है ना अमूल्य है, देखते हम एक तोले में यज्ञ दान तपस्या होम हवन अनुष्ठान सबका फल रखा वेदी ब्रह्मा जी ने, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवतम सुनने का फल रखा। और जैसे श्रीमद् भागवतम सुनने का फल रखा एक पलड़े में, तुरंत क्या हुआ, वो पलड़ा नीचे गिर गया, और जो यज्ञ दान तपस्या होम हवन का पलड़ा था ना, वो हवा हवा के जैसे ऊपर। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अगर कोई ग्रंथ है जिसके कारण मनुष्य की मुक्ति हो सकती है, एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण अमलम, ब्रह्मा जी के मुख से, और वही ग्रंथ को सुनने के लिए हम यहाँ बैठे, श्रीमद् भागवतम। सुध गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो ब्रह्मा जी ने मुख से बोल दिया कि श्रीमद् भागवतम अमल ग्रंथ है ना, वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया है ना। आपको पता होना चाहिए, हमको इतना याद होना चाहिए, और आपको तो, आप कितने भाग्यशाली इंदौर शहर के व्यक्ति, क्योंकि आपके एकदम नज़दीक क्या है, वृंदावन धाम है ना, जो ठाकुर जी जीवों का कल्याण करने लगे, अनेक दिव्य दिव्य लीला वृंदावन धाम, जो अपने धाम को नीचे उतार, सामान्य धाम नहीं हो है ना, लेकिन सामान्य धाम कब नहीं लगेगा, जब आप अपनी आँखों से, मतलब दिव्य आँखों से, ज्ञान के चक्षुओं से देखोगे ना, तब पता चले जाएंगे कितना दिव्य धाम है, है ना। लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और समस्त देश छोड़ के वृंदावन में आकर वृंदावन में वास करते हैं, सामान्य धाम नहीं है, और उस धाम के एकदम नज़दीक हम रह रहे हैं ना, बहुत भाग्य। आज ही मैं कह रहा था ना, है ना, कि इंडोर सिटी वाले बहुत भाग्यशाली है जो वृंदावन के नज़दीक रह रहे हैं, है ना। हम भले कितने भी कथा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हमारा इतना भाग्य नहीं जितना आपका है, क्योंकि आप एकदम भगवान के धाम के नज़दीक हो, है ना। हवा तो वहाँ से आती होगी ना कभी, तो है ना, हवा तो लगती है, बहुत भाग्यशाली है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा ना, तो श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी ने बोला है, और लिखा किसने है, गणपति ने लिखा है, गणपति ने एक ग्रंथ लिखा है ना। गणपति को वेदव्यास जी ने कहा कि आपको मैं ये पुराण इतिहास सब लिख रहा हूँ, तो मुझे एक राइटर चाहिए, और आपसे बड़ा कोई राइटर है ही नहीं, तो आप लिखिए। गणपति ने कहा ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। गणपति ने शर्त रखी, गणपति ने कहा ठीक है वेदव्यास जी मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप बोलोगे मैं लिखूंगा, लेकिन आपको अटकना नहीं है, क्या नहीं करना है ना, ध्यान से सुनिए कथा, अटकना नहीं, अगर आप सोचना चालू कर दिया तो मैं यहाँ से है ना छुट्टी पे चला जाऊँगा, वृंदावन कहीं घूमने चला जाऊँगा, तो आपका काम अटक जाएगा। इससे आपको निरंतर बोलते रहना है, आप जितना बोलते रहोगे वो मैं लिखता रहूँगा। वेदव्यास जी तो भगवान के अवतार हैं, 27 अवतार हैं, बुद्धिशाली है ना, व्यास विशाल बुद्धि। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है गणपति जी, गणपति मैं बोलूँगा आप लिखोगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो बोले यस, बोले क्या शर्त है आपकी? तो बोले मेरी शर्त है कि
आपको लिखना है लेकिन सोचे बिना नहीं लिखना है, जो सत्य हो ना वही लिखना है। क्या बोला? सत्य है वही लिखना है, बहुत विचार करके लिखना है, मैं जो भी बोलूं लिख नहीं देना है आपको। क्या बोला वेदव्यास जी ने कि मैं जो भी बोलूं वो नहीं लिखना है, आपको विचार करना है, आपको लगे नहीं सत्य है तो ही लिखना है आपको, क्योंकि आप मुझे पता है आप भी महाज्ञानी हो। गणपति को बोला, वेदव्यास जी ने बोलना चालू किया है ना, और गणपति लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे। लिखते लिखते होता था ऐसा कि कभी कभी वेदव्यास जी को विचारना तो पड़ेगा ना श्लोक, है ना, स्वयं भगवान है तो विचार करके मतलब चुन चुन के भागवतम में श्लोक रखने हैं, भागवतम लिख रहे थे। तो वेदव्यास जी क्या करते थे, अमुक ऐसे श्लोक बहुत हार्ड श्लोक बोलते थे और गणपति उस श्लोक पे विचार करने लगते थे, और विचार करते थे ना तब तक वेदव्यास जी 25-30 श्लोक की रचना कर देते थे, है ना। तो वेदव्यास जी ने एक श्लोक बोलूंगा मैं, कौन सा हार्ड श्लोक है वो, तो वेदव्यास जी एक श्लोक बोले, वेदव्यास जी बोले श्लोक के युधिष्ठिर सा कन्या, ध्यान से सुनिए, युधिष्ठिर सा कन्या नकुलेवश्च विवाहित, युधिष्ठिर सा कन्या नकुले विवाहित, सहदेवश्च पूजिता सकन्या सर्ववरदायित। अब ध्यान से सुनिए, मैं इसकी व्याख्या करता हूं। वेदव्यास जी गणपति के सामने कहते, गणपति युधिष्ठिर सा कन्या, तो गणपति विचार करने लगे, क्या कह रहे वेदव्यास जी, बहुत विचार किया लेकिन समझ में नहीं आ रहा ग्रह। लेकिन वो उनका अर्थ ये था कि युधिष्ठिर सा कन्या, युधिष्ठिर सा कह, युधिष्ठिर के कन्या थी। आपने कभी सुना है कि युधिष्ठिर की कन्या थी? सुना है कभी? कभी महाभारत पढ़ा है, देखा है, पांडवों को देखा है कभी, युधिष्ठिर की कोई कन्या थी? नहीं। लेकिन यहां वेदव्यास जी क्या कहते हैं, युधिष्ठिर सा कन्या नकुलेह विवाहित, चलो होगी भी उनको पता नहीं है, लेकिन नकुलेह विवाहित, कि उनके भाई जिसका नाम था नकुल उनके साथ शादी करा दी। अरे भाई, एक भाई की बेटी के साथ भाई के साथ शादी, मतलब अपनी बेटी की शादी भाई के साथ कैसे हो सकती है? तो नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या बोल रही है ना, नारद जी विचार में पड़ गए कि युधिष्ठिर की कन्या, मैंने तो कभी सुना नहीं है युधिष्ठिर की कन्या है, चलो होगी पता नहीं, लेकिन नकुलेवश्च विवाहित और नकुल के साथ शादी कर दी। युधिष्ठिर मारा पागल तो नहीं हो गया ना, भाई के साथ शादी कराया अपनी बेटी की। फिर सहदेव विवाहित, चलो कोई बात नहीं, युधिष्ठिर को भूल हो गई, लेकिन सहदेव तो पागल नहीं है, तो एक नंबर का ज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है ना, सहदेव पूजिता, मतलब सहदेव उसकी पूजा कर रहा है। युधिष्ठिर की कन्या कभी सुना नहीं है, चलो होगा, लेकिन वो अपने भाई के साथ शादी क्यों करा है? चलो कोई बात नहीं, भूल हो गई, लेकिन ये सहदेव इतना पागल हो गया कि उसकी पूजा कर रहा है। सहदेव पूजिता सा कन्या सर्ववरदायित, और वो कन्या जो है ना सबको क्या देती है, आशीर्वाद वरदान देती है। तो ये श्लोक जो श्लोक बोला ना, तो गणपति को चक्कर आ गया, समझ में नहीं आ रहा गणपति को। गणपति सोचते, क्योंकि वो भी ज्ञानी है ना, सोचते सोचते यहाँ वेदव्यास ने 25-30 श्लोकों की रचना कर दी। फिर गणपति समझे और गणपति ने बोला, अच्छा शी इज माई मॉम, ये तो मेरी मम्मी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये तो मेरी माँ की बात कर रहे हैं। माँ कौन है? पार्वती है मेरी, वेदव्यास जी मेरी माँ की बात कर रहे हैं, है ना। क्या श्लोक है, अब ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर सा कन्या, युधिष्ठिर है ना, युद्ध में जो स्थिर रहे वो कौन है? हिमालय। कौन है? युद्ध में जो स्थिर रहे उसको बोलते हिमालय। युधिष्ठिर सा कन्या, हिमालय की कन्या कौन है? कौन है बोली? पार्वती।
हिमालय की कन्या पार्वती युधिष्ठिर सा कन्या नकुल विवाहित, जिसका कोई कुल नहीं है उसके साथ शादी कर दिया। किसका कोई कुल नहीं है? शिव जी का। सहदेव पूजिता, समस्त देवता क्या कर रहे हैं? सहदेव नहीं, सह मतलब समस्त देवता क्या कर रहे हैं? शिव और पार्वती की पूजा कर रहे हैं। सा कन्या सर्ववरदायित, वो कन्या कौन? पार्वती समस्त जीव को वरदान देती है। तब गणपति को पता चले तो मेरी मम्मी की बात कर रहे हैं, शी इज माय मॉम, है ना, तब उसको समझ में। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। और वेदव्यास जी ने जो भी लिखा है ना, वो गणपति ने बहुत सोचा समझा उसकी बात लिखा है, वो पागल नहीं है। मैं देखो अभी तो हमारी शुरुआत है, 3 दिन का प्रोग्राम है, अगर भगवान की कृपा रही ना तो आगे जाके हम श्रीमद् भगवत गीता का सेमिनार करेंगे। उस सेमिनार में हमारे जीवन का प्रॉब्लम क्या है पता है? भगवान कौन है, हम कौन है, है ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, अनेक प्रकार के प्रश्न है जो ठाकुर जी ने भगवद गीता में जवाब दिया। सब क्लियर होगा, धैर्य रखिए, है ना। ये भेजे में जो भी अंदर गंदगी है ना, शास्त्र के द्वारा सब क्लियर हो जाएगा, आपके सब प्रश्न का जवाब मिलेगा आपको, है ना। धैर्य रख के सुनिए, सोइए मत, ध्यान से सुनिए। इस तरह से वेदव्यास जी ने इस वेद की रचना किया। महात्मय, दूसरा महात्मय कहते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है कि नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में आए, और जैसे बद्रिकाश्रम में आए तो बद्रिकाश्रम में बैठे थे वो, और वहाँ अचानक 4 कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए वहाँ, जिसका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र आए जो एकदम छोटे हैं ब्रह्मा जी के। और आने के बाद उसने एक दृश्य देखा, वो दृश्य था कि नारद जी अपने सिर पर हाथ रख के बैठे हैं। अरे आश्चर्य की बात, नारद जी चिंता में कैसे हो सकते हैं? नारद जी को एक ही चिंता हो सकती है, कौन सी चिंता? कि इस समस्त जीव का उद्धार कैसे करो, एक ही चिंता होती है। तो नारद जी ये कुमारों ने तुरंत सोचा कि चिंता में क्यों हो, और तुरंत पूछा कि हे नारद जी आप चिंता में क्यों हो, है ना, आपको चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि समस्त लोगों की चिंता को दूर करते हो आप, अभी आप चिंता में क्यों हो? तब नारद जी एक जवाब देते हुए कहते हैं, अहम तो पृथ्वी तो या तो, कि एक अभी मैं पृथ्वी लोक में जाकर आया हूँ। सोचिए आप, नारद जी एक बार पृथ्वी लोक में आए और इतने दुखी हो गए, और हम यहाँ रह के हमको लड्डू खाना है। नारद जी कहता है कि मैं पृथ्वी लोक में गया था और दुखी हो गया, और यहाँ सिर पर पटक रहा हूँ, और हम यहाँ रह के क्या मानते हैं, हम सुखी। नारद जी कहते हैं कि हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्री रंगम सेतु बंधम, अनेक जगह पे मैंने विचरण किया, लेकिन एव मानादेशु तीर्थेशु ब्रह्मानम इतस्तथ, कि मैं वहाँ जाकर समस्त तीर्थों में गया लेकिन मैं ब्रह्म में पड़ गया। और आगे कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपन नास्ति सोचम दया दानम न विद्यते, है ना, कलयुग में पृथ्वी लोक में सबने तपस्या करना बंद कर दिया है, सबने दान देना बंद कर दिया है, यज्ञ करना बंद कर दिया है, और सभी लोग अपने इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, है ना, सब लोग भोग में लगे हुए हैं, और वो देख के मैं दुखी हो गया। और आगे कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक, कि अपनी बेटी को पिता बेचने में बैठा है, और सलाह किससे लेता है? सलाह अपने साले से लेते हैं कलयुग में। नारद जी कहते हैं कलयुग के लोग सलाह किससे लेते हैं? साले से लेते हैं। नारद जी कहते हैं इतना दुर्भाग्य है कलयुग के लोगों का कि कितना घोर कलयुग आ गया है।
कि अब सलाह किससे लेना चाहिए? गुरु से लेना चाहिए, साधु से लेना चाहिए, है ना। आप श्री रामायण में देख लीजिए, रामायण में जब महाराज दशरथ के पास इतना धन था कि धन को देखकर धनक कुबेर भी शर्मा जाते थे। कुबेर है वो स्वर्ग के खजांची हैं, लेकिन जब दशरथ महाराज का धन के सामने देखते ना, उसके राज्य के सामने, उसके ऐश्वर्य के सामने, तो जो कुबेर थे ना वो शर्मा जाते थे, है ना। इतना संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, लेकिन उस राजा को पुत्र नहीं था, दशरथ महाराज को कोई पुत्र नहीं था, बहुत दुखी थे। और दुखी होने के कारण दशरथ महाराज क्या किया, दशरथ महाराज ने, आप सब जानते हो, है ना, कथा तो बहुत सुनी हमने रामायण। दशरथ महाराज कहाँ गए? दशरथ महाराज अपने गुरु के पास। गुरु गृह गए हूँ तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि को कहा, हे वशिष्ठ मुनि, आप मुझे बताइए ये मेरी प्रॉब्लम से मैं इसको कैसे सॉल्यूशन करूँ। हमको रामायण से सीखना चाहिए कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम आए ना, तो कोई सच्चे साधु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, जो शास्त्र को जानता हो, है ना, भगवद गीता भागवतम को जानता हो, उनके पास जाना चाहिए, है ना। अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, नारद जी कहते हैं गुरु के पास नहीं जाते हैं, भगवद गीता के पास नहीं जाते, भागवतम के पास नहीं जाते हैं, क्या किसके पास जाते हैं? अपने साले के पास सलाह लेते हैं। नारद जी के वाक्य मैंने कह रहा हूँ, आप मुझे मत दोष मत देना, यहाँ श्लोक लिखा है, नारद जी कहते हैं सलाह साले से लेते। एक भक्त था, वो मुझे कह रहा था कि प्रभु जी आपसे एक बात कहूँ, मैं कथा कह रहा था तो कथा समाप्त हो गई, वैसे समाप्त हो गया, मुझे प्रश्न किया कि प्रभु जी प्रश्न कर सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी आप कर सकते हो प्रश्न। तो बोला आपने कहा कि अभी के लोग साले से सलाह लेते हैं, लेकिन प्रभु जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक परंपरा है ना वो तो भगवान से चली आ रही है। कहाँ से चली आ रही है? मैंने बोला अच्छा, कैसे भगवान से चली आ रही है? तो बोला कि देखो, भगवान की बहन कौन है? भगवान की बहन कौन है? सुभद्रा, है ना, जानते हो आप सब, सुभद्रा भगवान की बहन है। और सुभद्रा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या लगे? साले लगे। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में साला, है ना, जीजा साले के पास से उपदेश ले रहा है, समझा? तो बोले ये तो परंपरा सीधी चली आ रही है। मैंने बोला भाई वो साला है ना, वो साले के चरण कमल की सेवा शिव जी भी करते हैं, उस साले की, समझे, वो कृष्ण की, है ना, उस साले की बात नहीं है, ये कलयुग के साले की बात है, नारद जी कहते हैं। क्योंकि वो साला है ना जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का, कृष्ण है ना, उनकी सेवा तो नारद जी भी करते हैं, समझा। तो मैं व्यक्ति मुझे बता रहा था कि है ना, हाँ वो परंपरा आपको दिख रही है, लेकिन हाँ वो सलाह ली, लेकिन वो सलाह लेने के कारण देखिए, है ना, अधर्म का विनाश हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, है ना। मैंने उसको समझाया था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक रानी का नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना, या नजदीक है आपके। और यमुना भगवान के पट रानी है, और किसकी बहन है? यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है, सूर्य के पुत्र और पुत्री है, यमराज और यमुना भाई बहन हुए। तो यमराज कहते हैं कि मेरी बहन का विवाह मैंने कृष्ण के साथ किया है, भगवान के साथ किया है ना। तो यमराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे जीजा की बात नहीं मानता उसको यहां लेके आओ, दूसरे को लेके नहीं आना है, जो मेरे जीजा की बात मानते ना उसको यहाँ लेके आओ, उसकी ट्रीटमेंट होगी यहाँ, है ना। और भगवान क्या कहते हैं पता है? भगवान कहते हैं, मतलब पृथ्वी लोक के वासियों को, मतलब समस्त बद्ध जीवों को भगवान कहते हैं, अरे सालो, क्या कहते हैं? अरे सालो, अगर आप मेरी शरण में नहीं आओगे ना तो मेरा साला छोड़ेगा नहीं आपको। क्या कहते हैं?
समझे आप? साला कौन है? यमराज जी साले है ना उनके, है ना? तो बोले मेरे शरण में नहीं आओगे ना तो मेरा साला आपको छोड़ेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण है वो यमुना के पति है, यमराज भी उसका, क्योंकि यमराज जी 12 महाजनों में से एक है ना। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, समस्त धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद भगवदगीता 18.66 पढ़िए। मैं जो भी बोलूंगा ना शास्त्रों से बोलूंगा, आप मैं आपको नंबर के साथ दे रहा हूँ, आप देख सकते हो शास्त्र, फैकम फैक नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। तो जहां से श्रीमद भागवत भगवद गीता समाप्त होती है ना, भगवान कहते समस्त धर्म को छोड़ के मेरे शरण ले, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा सुच, कि तू मेरे शरण लेगा ना तो मैं समस्त प्रकार से पाप से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष इच्छामि मा सुच, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। भगवान गारंटी देते हैं। इससे हमारी बुद्धि को तर्क वितर्क में नहीं लगानी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा, है ना, ऐसा हो सकता है तो आप क्या होगा पता है, हम कथा का लाभ चुक जाएंगे। इसे पहले सुनिए आप, प्रश्न हो तो आप कथा के बाद मुझे प्राइवेट मिलके प्रश्न कर सकते हो, कोई बात नहीं, टाइम होगा तो करेंगे निश्चित, है ना। इससे हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान से कृष्ण है ना श्रीमद भागवतम, तो जैसे ही नारद जी ने कहा कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम में आ गया मैं और यहाँ आकर मैं फंस गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं समस्त पृथ्वी का भ्रमण करते करते दुखी होकर मैं वृंदावन धाम में पहुँचा, और जैसे वृंदावन धाम में पहुँचा ना तो मैंने एक दृश्य देखा। नारद जी कहते हैं मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? तो कहते हैं कि मैंने एक तरुणी स्त्री को देखा, और एक तरुणी स्त्री थी, उसके आजू बाजू में अनेक उसकी दासी थी, है ना। और जैसे मुझे देखा ना तो स्त्री बोलती हैं कि अहो धन्य अहो धन्य मद मदभाग्येन समागता साधुनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। भक्ति महारानी कहती हो, भक्ति महारानी दुखी थी और भक्ति महारानी नारद जी को देखकर कहते कि हे नारद जी अहो धन्य मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गई क्योंकि आप जैसे साधु का मुझे दर्शन हो गया है। क्योंकि जब भी आप जैसे साधु का दर्शन हो जाता है ना सर्व सिद्धि करम परम, वो व्यक्ति को सर्व सिद्धि मिल सकती है। वो भक्ति महारानी के दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, मूर्छित हो चुके थे, है ना। तो भक्ति महारानी कहते कि हे नारद जी ये मेरे ज्ञान और वैराग्य है ना वो मूर्छित हो गए हैं, है ना। कलयुग में जैसे कलयुग आया तो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, खत्म हो गए, है ना। ज्ञान नहीं है और वैराग्य से सबने निवृत्ति ले ली है, तो आप कुछ कीजिए, मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र को सजीवन कीजिए। तो नारद जी अपने नम्रता दिखाते हुए कहते हैं कि हे देवी मैं तेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र को कैसे जीवित कर सकता हूं, मेरे में ऐसी योग्यता नहीं है। नारद जी कहते हैं तो भक्ति महारानी कहते ऐसा मत कहो, है ना। भक्ति महारानी कहते कि मैं आपको जानती हूं, है ना, कि जिसको भी आप मिलते हो ना उनको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है, निश्चित भगवान की प्राप्ति होती, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ, इसे निश्चित आप मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार करोगे, है ना। और कहते हुए कहती हैं जयति जयति माया यश काया धवस्ते वचनम रचनम एकम केवलम चाकलैया। भक्ति महारानी कहती है कि नारद मुनि ये जो कयाधु का पुत्र है ना जिसका नाम था प्रहलाद, प्रहलाद को आपने थोड़े से उपदेश दिए और प्रहलाद ऐसा भगवान का भक्त बन गया कि उसने भगवान को खंभे में से प्रकट करा दिया। और जब प्रहलाद का नाम आता है ना तो
समस्त देवी देवता भी प्रहलाद को प्रणाम करते हैं। ये छोटे से 5 साल के बच्चे ने भगवान को खंभ में से प्रकट करवा दिया। उसका कारण आप हो नारद जी, क्योंकि आपके उपदेश सुनकर वो प्रहलाद भजन करने लगा और भक्ति करते करते उसने भगवान को प्राप्त कर लिया आपकी कृपा से। मैं जानती हूँ आपको, आपके प्रभाव को जानती हूँ। ध्रुपदम पिया तो यत कृपा ध्रुवयम, आपने ध्रुव पर कृपा किया है ना। कया सुनिधि का लड़का जिसका नाम था ध्रुव, 5 साल की उम्र थी ध्रुव की, बड़ी उम्र नहीं थी, और 5 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को कहा कि हे माँ तू मुझे बता कि मुझे मेरे पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु, उनके पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगा। माँ को एक छोटा 5 साल का बच्चा पूछ रहा है कि हे माँ मुझे बताए ब्रह्मा से भी ऊंचा राज्य चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बता मुझे कौन दे सकता। रो रहे ध्रुव महाराज, रो रहे और कह रहे। तब माँ, देखो 5 साल का बच्चा है लेकिन वो माँ है ना, अभी के कोई 20 साल का भी बच्चा हो जाता है लड़का, और बेटा कहता है ना, माँ पूछती है, पिता पूछते कि बेटा कहाँ जा रहा है तू, तो बेटा कहता है कि माँ मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो माँ बाप क्या करते हैं, नहीं वहां मत जा, सत्संग में मंदिर में जाने के लिए माँ बाप, कलयुग के माँ बाप बच्चे को रोकते हैं है ना। लेकिन अगर बच्चा कहेगा ना पिताजी मुझे 500 रुपये दीजिए, क्यों, मुझे पिक्चर देखने जाना है, तो तुरंत देंगे बच्चा। और गर्व से कहता है कि मेरा बेटा पिक्चर देखने गया, फिल्म देखने गया। 3 घंटे पिक्चर वाले अंधेरी कोठरी में पूर के रखते हैं हमको, और बाहर आकर है ना जो भी 200 300 400 रुपये टिकट होता है, तो ये शिक्षा देते हैं। शिक्षा क्या देनी चाहिए, सत्संग में ले जाना चाहिए बच्चों को। मैं सूरत में था, गुजरात में, तो गुजरात में सूरत में एक बार मैं वृद्धाश्रम में गया लेक्चर देने के लिए। जैसे मैं वृद्धाश्रम में पहुंचा तो मैंने देखा कि अनेक माँ बाप थे जो वृद्ध हो चुके थे, 60 लोग थे, और वहाँ राधा कृष्ण का मंदिर था, तो मैंने वहाँ जाके कीर्तन किया और मैंने लेक्चर दिया। और लेक्चर के समाप्ति के बाद, 1.5 घंटे के बाद, अनेक मिनिमम 5 से 6 माताजी और प्रभुजी वो रोने लगे, और रोते हुए उसने हमको कहा कि प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है। तो मेरे बोला पूछिए। तो जैसे ही मैंने बोला पूछिए आपका प्रश्न क्या है, तो उसने कहा कि हमारा प्रश्न ये है कि हमने पूरा जीवन बहुत मेहनत करके बहुत पैसे कमाए हैं, हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, हमारे बेटे को हमने सब कुछ दिया है, फिर भी हमको आप बताइए कि हमारे बेटे इतना सब कुछ देने के बावजूद भी हमारे बेटे हमको वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया, प्रश्न किया। तो हमारे बेटे अभी भी आते हैं, 4-व्हीलर लेके आते हैं, हमको कुछ पैसे कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं है ना। ऐसा नहीं कि हम घर बार नहीं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे बेटे हमको रखना नहीं चाहते, इसका कारण क्या है। तो देखो हमारा तो एक कर्तव्य होता है सत्य बोलना, तो मैंने तो बोल दिया तुरंत कि उनका कारण स्वयं आप हो, जो आपके पुत्र आपको दुख देते हैं ना उसका कारण आप हो। तो थोड़ा उसको थोड़ा गलत लगा कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहा। मैंने बोला हाँ, क्योंकि आप जब आपका पुत्र छोटा था ना, तो आपके पुत्र ने जो भी मांगा, कपड़े खाना पीना जो भी मांगा सब कुछ आपने दिया, मतलब ये भौतिक संसार का भोग सब कुछ दिया है, लेकिन जो वास्तविक देना चाहिए ना आध्यात्मिक ज्ञान वो आपने नहीं दिया है। वो बच्चे को पता नहीं है कि मेरा और मेरे माँ बाप का क्या संबंध है, सृष्टि के साथ मेरा क्या संबंध है ना, इस सृष्टि बनाने वाले के साथ मेरा संबंध क्या है, वो नहीं जान। आप कभी बोला ही नहीं उनको, कभी सत्संग में नहीं ले गए, कभी भागवतम नहीं कहा उनको, कभी भगवद गीता नहीं पढ़ाया, पूरे नश्वर सृष्टि के बारे में आपने ज्ञान दिया है, भोग दिया है, और भोग दिया तो वो इतना ही समझता है स्वार्थ के बारे में, दूसरा कुछ नहीं समझता है, इसलिए आपके पुत्र ने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है।
अगर आपने भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दिया होता ना तो आपके ही पुत्र आपको सिर पर चढ़ाते, क्योंकि सत्य जान जाते, लेकिन आपने उनको सच्चा ज्ञान नहीं दिया है। तो मुझे बोला, प्रभु जी चलो बात तो सही, तो हमको क्या करना चाहिए? मैंने बोला कुछ मत कहो करो, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि व्यक्ति पांच रसों से मेरी पूजा कर सकता है, एक तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य और सांख्य। तो मैंने बोला आपके पुत्र तो आपको छोड़ के चले गए, तो भगवान कहते कोई व्यक्ति मुझे पुत्र के रूप में भी पूजा करेगा ना, जैसे लड्डू गोपाल होते हमारे घर में, है ना, पुत्र के रूप में कोई व्यक्ति मेरी पूजा करेगा ना, है ना, तो मैं उसी तरह उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो मैंने कहा कि आप ये कीजिए, भगवान श्री कृष्ण राधा का मंदिर है, आप भगवान को पुत्र रूप में मानिए और इस तरह से भगवान की पूजा करिए, आपकी समस्त चिंता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा कि संसार का जो भी संबंध है ना, वो स्वार्थ, स्वार्थ के द्वारा है ना, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, यही संसार की रीति ना, स्वार्थ है संबंध ना। हम कहते हैं कि मेरी पत्नी से मैं प्रेम करता हूँ, पत्नी कहती मैं पति से प्रेम करता हूँ, मेरे ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन जब पति मर जाता है ना, तो पत्नी ऐसा नहीं कहती कि मेरे पति है ना, उसने पूरा जीवन दिन रात मेहनत करके मुझे खिला पिलाया, जो भी चाहा मुझे दिया है, इसलिए मेरे पति हैं, उनको 10 दिन घर में रखो, कहेंगी कोई नहीं, कोई स्त्री नहीं कहेंगी कि मेरे पति को 10 दिन घर में रखो, और कोई पति भी नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी बहुत प्रेम किया मैंने, घर में रखो। जैसे शरीर छूटता है ना, तुरंत क्या कहती है पत्नी, इसको यहां से स्मशान ले जाओ। तो सोचिए आप, वो प्रेम किससे करती थी, प्रेम किससे करता था, सोचने की बात है ना। अगर मान लीजिए आप घर पे जाते हो, आपकी पत्नी आपके बच्चे आपको देखकर बहुत प्रेम से पानी जूस सब कुछ देते हैं, और 40 साल के बाद हम जब मर जाते हैं तो वही बॉडी सामने है ना, जिस व्यक्ति को दर्शन करके खुश होते थे व्यक्ति, वही बॉडी सामने है, समझे मेरी बात, तो क्यों रो रहे हो आप, क्यों? क्योंकि अंदर जो शरीर को चलाने वाला है ना, वहां से चला गया, समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो बॉडी तो वहीं पड़ी रहती है, बॉडी लुप्त तो नहीं होती है, बॉडी को चलाने वाला चला जाता है, वो है आत्मा, है ना। हमको आत्मा स्तर पे आना है ना, इसे अर्जुन मोह में था, शोक में था, आसक्ति में था, दुख में था, इसे ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को शोक मोह दुख से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय में आत्मा का विज्ञान समझाया कि पहला ज्ञान है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हार्ड मास का शरीर है ना। देखो ये शरीर है ना, वो किससे बना है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 5 बाल्टी यहां रख दो, कितने 5 बाल्टी, 5 बाल्टी है, सबसे पहले हमारे शरीर में ऊपर में जितने बाल है ना, वो बाल को निकाल कर 1 बाल्टी में डाल दो। मैं आपको शरीर को खुला करता हूं, ध्यान से सुनिए, पता चलेगा कि है क्या भाई इसमें, हम जिसको सजा धजा दे शरीर को, उसमें है क्या। फिर क्या आएगा, चमड़ी, समस्त चमड़ी को 2 बाल्टी में डाल दो, मन से करो ये सब। फिर क्या आएगा, मांस, समस्त मांस को निकलकर 3 बाल्टी में डाल दो। फिर क्या आएगा, हड्डी, वो हड्डी को 4 बाल्टी में डाल दो। रक्त 5 बाल्टी में डाल दो। क्या बचा, कुछ नहीं, यह है शरीर हमारा। आपके राजस्थान की एक सुंदरी है जिसका नाम है रूपकुंवरी, क्या नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त्या है, उसने भी शादी नहीं की, पूरा जीवन कृष्ण, जैसे मीराबाई है ना, रूपकुंवरी। रूपकुंवरी कहती हैं, मल मूत्र को नर तन भरो, निष्फल है यह जान। वो कहते हैं कि मल और मूत्र से शरीर भरा हुआ है, निष्फल है ये चान, ये चमड़ा है ना वो निष्फल है, तो क्या तो शुद्ध नहीं होगा। आप कहते हैं कि बिन हरि भजन शुद्ध न है बे, चाहे धोवो 8 हो या भक्तों, इस शरीर है ना,
उसको 8 याम, मतलब आप 1 याम 3 घंटे का, 24 घंटे में 8 याम आते हैं, 8 याम 3-3 घंटे में, एक बार स्नान 8 बार स्नान करोगे ना, फिर भी ये चमड़ा है ना कभी शुद्ध नहीं होगा, याद रखना, कभी शुद्ध नहीं। ये रुकुरी कहती है, काया छोड़ के उड़ी जय हंसा पड़ो रहे धन धाम। ये काया है ना शरीर, उसको छोड़ के चला जाएगा हंसा, कौन? आत्मा, जो हम कौन है? हम आत्मा है। शरीर को छोड़ के चला जाएगा, समस्त धन संपत्ति पड़े रहे। तो क्या करना चाहिए? तो रुकुरी कहती है, रूप कुरी सब छोड़ बसत व्रज भजहु श्यामा श्याम। रुकुरी ने सब कुछ छोड़कर किसके शरण में चले गई? भगवान श्री कृष्ण के शरण में। सीखना चाहिए, मीरा से सीखना चाहिए, है ना? मीरा का असली धन क्या था? राम का नाम था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये जो संसारी धन है ना गांधी बापू, वो साथ में आने वाला नहीं है, और उनको कोई चोर लूट जाएगा या फिर खर्च करोगे तो समाप्त हो सकता है, लेकिन मीरा कहती है, चोर न लूटे खर्चे न खूटे निश दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन रूपी धन है ना, और जितना भी खर्च करोगे ना क्या होगा? बढ़ेगा ना, और उनको चोर लूट नहीं सकता है। अगर आप भगवान का नाम लोगे, भगवान है ना, भजन करोगे ना, उसमें आपके भाई का भाग नहीं पड़ेगा, आपके स्वजनों का भाग नहीं पड़ेगा उसमें। राम के नाम और कृष्ण के नाम, जो भगवान का नाम लेते हो ना, उसमें किसी के भाग नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये एक है कि जब वेदव्यास जी कहते हैं कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी घर में से भक्त बन जाता है ना, तो वेदव्यास जी कहते आस्फोटयन्ति पित्रो मम वंश वेश्मा जाता, के पितरों नाश्रय लगते हैं, क्योंकि भगवान एक भक्त के नाते समस्त पितरों का उद्धार कर देते हैं, ये वेदव्यास जी कहते हैं। इससे ये धन है, सच्चा धन मनुष्य देह मिला है ना, तो राम और कृष्ण के नाम का धन है, उसको प्राप्त करना है, जो नारद जी प्राप्त करते, शिव जी प्राप्त करते, ब्रह्मा जी प्राप्त करते, ये धन है हमारा। तो नारद जी को कहा भक्ति महारानी ने, और तुरंत भक्ति महारानी को नारद जी कहते कि ठीक है भक्ति महारानी, मैं आपके ज्ञान और वैराग्य को सजीवन करूंगा, वापस मूर्छा में से मुक्त करूंगा। नारद जी ने वहाँ वेद उपनिषद भगवद गीता अनेक श्लोक गान करे, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। तो वहाँ संकादिक मुनि को नारद मुनि कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो जब उठी नहीं ज्ञान और वैराग्य, तब जाके आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? आकाशवाणी। और आकाशवाणी में नारद जी ने सुना कि हे नारद, तुझे अगर ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना है ना, तो सत्कर्म कर। क्या कर? सत्कर्म, सत्कर्म कर। इतना करके आकाशवाणी समाप्त हो गई, तो नारद जी ने कहा कि वो सत्कर्म क्या है, वो मैं विचार कर रहा हूं। तब सनत कुमार कहते हैं, नारद जी आप भी भूल गए, क्योंकि सत्कर्म, सबसे बड़ा सत्कर्म होना तो है भगवान की श्रीमद भागवतम की कथा सुनना, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। जब आप श्रीमद भागवतम की कथा कहोगे ना, ज्ञान और वैराग्य दोनों सजीवन हो जाएंगे। आप ही भूल गए, आपने वेदव्यास जी को कहा था ज्ञान। तो नारद जी कहते हैं, ठीक है तो एक काम करो, आप ही वक्ता बन जाइए। नारद जी संकादिक मुनि को कहते, आप वक्ता बन जाइए, हम श्रोता बन जाते हैं और आप कथा करिए। तो बोले, कौन सा स्थान रखेंगे? तो कहते हैं कि स्थान हम रखेंगे हरिद्वार में आनंदवन। आप गए होगे आनंदवन, सप्तऋषि घाट जो है आपने देखा होगा हरिद्वार में, तो सप्तऋषि घाट के बाजू में आनंद घाट है, वहीं ये श्रीमद् भागवतम की कथा होगी। संकादिक मुनि वक्ता हैं, नारद जी और अनेक ऋषि मुनि वहाँ श्रोता बने हैं, और जैसे वहाँ
मंगलाचरण चालू हुआ और मंगलाचरण चालू होने के बाद वहाँ धमाकेदार कीर्तन हुआ। श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या हुआ? कीर्तन हुआ। और जैसे कीर्तन हुआ ना, तो सुखदेव वेदव्यास जी कहते जैसे कीर्तन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण कीर्तन में श्रीमद् भागवतम कहता है जब कीर्तन चालू हुआ ना, तो मृदंग बजाने में एक्सपर्ट इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन करताल बजा रहे हैं और प्रहलाद महाराज नाच रहे हैं, और धमाकेदार सुंदर कीर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। जैसे ही श्रीमद् भागवतम कथा चालू हुई, अभी तो कीर्तन चालू हुआ था है ना, तो पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते जैसे कीर्तन चालू हुआ और ये भागवतम कथा चालू नहीं, उससे पहले ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति वहां उपस्थित हो गई। श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है उससे पहले ज्ञान और वैराग्य उपस्थित हो गए। सोचिए श्रीमद् भागवतम ऐसा दिव्य ग्रंथ है, अभी
चालू नहीं हुए उससे पहले ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित वहां प्रकट हो गए। और जैसे ही कीर्तन चालू हुए अचानक उस कीर्तन में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए कहा जाता है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते वैकुंठ में पहुंचे, क्योंकि नारद जी जो है ना, नारद जी को 14 लोक का कन्फर्म वीजा है, उसको टिकट लेनी पड़ती है, है ना। हमको अगर यहाँ से स्वर्ग में जाना है ना तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नारद जी है ना उसको कहीं है ना कोई रोकता नहीं है। वहाँ देखो अभी हमको यहाँ से मान लीजिए जयपुर से भी इंदौर सिटी से जयपुर भी जाना है ना तो बीच में टोल नाका आता है 2.50 ना। अभी यहाँ से यहाँ जाए फिर भी टोल नाका आता है, लेकिन वहाँ नारद जी को कोई नहीं रोकता है, कहीं भी घूमते हो है ना। 14 लोक है याद रखना, क्योंकि हमारी बुद्धि तो कुएं के मेंढक जैसी है ना, हमने इंडोन के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। 14 लोक है ये ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ऊपर से ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, भूलोक, और ये क्या है भूलोक, ये भूलोक है, उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 14 लोक है। और जो हम जिस भूलोक में रह रहे हैं ना वो सातवां लोक है, सातवां माला है। तो नारद जी तो विचरण करते करते वैकुंठ भगवान के धाम में पहुंच गए, और वहां जाके भगवान को प्रश्न किया नारद जी ने। नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे एक सत्य बात बताइए कि आप कहाँ रहते हो, क्योंकि नारद जी भगवान के मन के अवतार है, भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं वो भी नारद जी को पता चल जाता है। तो नारद जी ने भगवान को प्रश्न किया कि हे प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका वास कहाँ है, अल्टीमेटली आपका वास कहाँ है। तो नारद क्या भगवान ने जवाब नहीं दी, तो नारद ने कहा क्या प्रभु आप वैकुंठ में रहते हो सदा के लिए, तो भगवान ने जवाब नहीं दिया। फिर बोला बड़े बड़े योगी जो आपका ध्यान करते हो उसके हृदय में रहते हो, तो भगवान कहते कि नहीं नारद, भगवान श्री कृष्ण कहते कि नारद ना मैं ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय शुवा, भगवान कहते नारद मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता हूँ और बड़े बड़े योगी के हृदय में भी मैं वास नहीं करता। अच्छा प्रभु तो कहाँ करते हो वास आप, भगवान कहते नारद को नहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुवा, तो कहा व्यास के तो यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान कहते कि हे नारद जहां भी मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां मैं हाजिर होता हूँ। श्री कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो इस तरह
आनंद वन में अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं, प्रहलाद, नारद, अनेक ऋषि मुनि के बीच में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन हुआ। भक्ति देवी दोनों पुत्र को लेकर प्रकट हुई और भगवान प्रकट हुए और भगवान वहां प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मुनियो, हे सुखदेव गोस्वामी, हे भक्ति महारानी, हे नारद, हे कुमारो, मैं आपके कीर्तन से, कथा से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मांगे क्या चाहिए, वरम ब्रूही। भगवान वर मांगने को कहते हैं, तब समस्त ऋषि मुनि कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमको वर देना चाहते हैं ना, तो आप ये वर दीजिए कि जो भी व्यक्ति, जहां भी आपकी कथा चलती हो ना, आपकी जहां भी कथा चलती हो, तो वहां आपको उपस्थित रहना है। आपको सबके, जो भी श्रोता बैठे हैं, उसके हृदय में आपको बैठना है। तो बोलेंगे कि मैं करूंगा क्या वहां, मैं वहां के करूंगा क्या? तो बोले आपको सबके हृदय में बैठना है ना। तो बोले कि जो व्यक्ति कथा सुन रहा है उसके हृदय में मुझे बैठना है। तो बोले हाँ बैठना है। तो बोले अच्छा, कोई व्यक्ति मान लीजिए कथा सुनने न आया हो और आके पूरी कथा सो गया हो, तो भी वो आपको नहीं देखना है। अगर आप वर मांगने को कह रहे हो, अगर वो कथा सुनने बैठ गया है, तो चाहे सो रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो आपको नहीं देखना है। जो भी आपकी कथा में आ गया, उसके हृदय में आपको बैठना है, उस पर कृपा आपको करनी है ना। भगवान कहते हैं ना कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र इव दीज, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो तुरंत भगवान ने कहा कि तथास्तु, कि जहाँ भी मेरी कथा होगी मैं वहाँ हाजिर रहूँगा, है ना। जैसे आप देखिए रामायण के प्रसंग में ही देखिए, जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या से लंका से आ रहे थे और आके राज्य किया, और जब अपने स्वधाम में जा रहे थे पुष्पक विमान में, अपने विमान में बैठकर, तो हनुमान जी ऊपर चढ़े, तो हनुमान जी को नीचे उतार दिया भगवान ने, भाई तू नीचे उतर। हनुमान जी ने कहा क्या बात कर रहे हो प्रभु, आप पूरा जीवन आपकी सेवा की है, परेशान देखो कितना पसीना निकल गया सेवा कर करके, और मुझे आपके धाम में आने नहीं दे रहे। भगवान ने कहा कि तू यहाँ रहे, तो बोले क्यों यहाँ रहूँ, मैं आपके वीर में जी नहीं सकता हूँ, आपके बगैर एक मिनट में रह सकता हूँ, आप मुझे लेके चलिए साथ में। तो कहते हैं हनुमान जी को भगवान श्री राम कि हे हनुमान, तू यहाँ रहे क्योंकि कलयुग के लोगों का उद्धार के लिए तू यहाँ रहे, है ना। तो बोले प्रभु मैं आपका वीर सहन नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभु श्री राम के मुख से शब्द निकला है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझसे दूर नहीं रहूँगा। तो बोले कैसे है कि जहां जहां भी मेरी कथा चलती होगी ना, भगवान श्री राम कहते हैं कि जहां जहां भी मैं कथा चलती होगी मेरी, वहां मैं उपस्थित रहूंगा। जहां भी मेरी कथा होगी वहां तुझे रहना है उपस्थित, वहां तुझे मेरी उपस्थिति की अनुभूति होगी, हनुमान जी को बोला था राम ने, रामायण में शब्द कहे। तो हनुमान ने कहा कि प्रभु जी कलयुग वाले मान लीजिए कि एक ही दिन में 50 जगह पे कथा हो रही है, तो क्या करूं मैं। भगवान ने बोला टेंशन मत ले, तू 50 रूप में बैठेगा तू वहां, और वहां सभी जगह तू मेरी अनुभूति करेगा। 50 नहीं, लाखों कथा होते तो लाखों रूप में तू वहां बैठेगा, है ना, क्योंकि हनुमान है भाई, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो, है ना। वो तो भगवान श्री राम ने आज्ञा नहीं दिया था, है ना, वरना भगवान को वहां जाने की जरूरत नहीं थी रावण के पास। जिस रावण ने अपने एक हाथ से कैलाश को उठाया था ना, उसी रावण को पकड़ के हनुमान जी राम के चरण में पटक सकते थे, सामान्य व्यक्ति नहीं है हनुमान जी, है ना। लेकिन हनुमान जी को क्या करते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं दिन रात, राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, भगवान के चरित्र गुणगान कथा सुनने में रस लेते हैं, ये सीखना है हनुमान जी से, है ना। वहां जाके मांगना नहीं है कि पुत्रन देही धन देही, नहीं, हनुमान जी से क्या मांगना है, भगवान को मांग। हनुमान जी ने क्या किया वो करो आप, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएगा, कुछ मत मांगो। लेकिन लोग अभी अज्ञानता पर हनुमान जी के पास कुछ ना कुछ मांगते रहते, मत मांगो उससे, खुश करना हनुमान जी को, प्रेम करते हो हनुमान जी से,
है ना, यहाँ भी विराजमान है हमारे, आइए हनुमंत विराजिए, विराजमान सामने नहीं हो, है ना, उनके पास जाके मांगना है ना, ठाकुर जी को मांग लो, इतने प्रसन्न हो जाएंगे ना, जितने प्रसन्न तेल चढ़ाने सिंदूर देने देने में नहीं होगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे उनके सामने बैठ कर राम का नाम लो। एक व्यक्ति था हनुमान जी के पास, हनुमान जी को बोला, भगत था हनुमान जी, बोला कि हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वो फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री मेरी चलने लगी अच्छी तरह से, अगर फैक्ट्री अच्छी तरह से चलने लगेगी ना तो लाखों का फायदा होगा, और मैं आपको है ना डेली यहाँ 50 रुपये का तेल चढ़ाऊंगा डेली। हनुमान जी ने बोला कि भाई 50 रुपये का तू मुझे तेल चढ़ाएगा और मैं तेरा काम कितने का करूं, लाखों रुपए का काम कर तू मुझे 50 रुपये का तेल चढ़ाएगा, मैं लाखों रुपए का स्विमिंग पूल बनाकर तेल का है ना उसमें गोता ना लगाऊं। ऐसा मत समझिए कि हम बुद्धिशाली, देवता भी बुद्धिशाली है, हम सोचते कि हम देवता के पास ही मांगेंगे उनको दे देंगे, नहीं, देवता भी जितना भी आप उनकी पूजा करोगे उतना देंगे, सावधान होकर जीवन जीना है। हनुमान जी क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, शास्त्र से समझो आप, पूजा करो हनुमान जी की, मना नहीं है, निषेध कुछ बात का नहीं है, जाओ हनुमान जी के पास है ना, प्रणाम करो है ना, उसको तेल चढ़ाओ, सिंदूर भी लगाओ उनको, बहुत अच्छा है ना, लेकिन करना क्या है, वहां जाके राम की भक्ति मांगो, प्रसन्न नहीं करना है, प्रेम करते हो ना हनुमान जी से, राम का भजन मांगो, क्योंकि एक 2000 की नोट होती है ना, 2000 की नोट उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें 500 की भी आ जाती है, 200 को भी आ जाती है, 100 की आ जाती है, 20 की आ जाती है, 10 की आ जाती है, 5 की भी आ जाती है, सब आ जाती है अंदर 2000 की नोट में, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे मूल में पानी डालना चाहिए, यथा तरो मूल निषेच नैन, आप कहोगे प्रभु जी आप कृष्ण के राम के भक्त से उनके गुणगान गाते हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, शास्त्र देख लीजिए, और मैं यहाँ कोई बांधने नहीं आया हूँ, मैं सत्य कहने आया हूँ, अगर आपको झूठ बात लगती है पढ़िए शास्त्र वेद पढ़िए, है ना, जो व्यक्ति अनेक अनेक ऋषि मुनि जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उनको उनको देखिए, अरे उनको जाने दो, हनुमान जी को ले लीजिए ना आप, वो क्या करते थे, अभी के कलयुग के बड़े बड़े ऋषि मुनि की बात चलो जाने दो, हनुमान जी को ले लीजिए आप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्लियर होगा, समय मिला मौका मिला मुझे तो मैं एकदम क्लियर कर सकता हूँ आपको, है ना, कि वास्तविक भगवान कौन है, शास्त्रों के द्वारा क्लियर कर दूंगा एकदम, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, है ना, आपके पास प्रश्न ही नहीं रहेगा कुछ कि नहीं भगवान कौन है, है ना, कौन कई कौन सी देवी और कौन सी देवता का काम क्या है, देखो हम जिसकी पूजा करते हैं ना पहले उसके बारे में समझना चाहिए हमको, है ना, कोई वस्तु की निषेध नहीं यार, मना नहीं करो, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं करो, लेकिन मेन चीज है कि पहले समझो उनको, है ना, भगवान ने बहुत सुंदर बुद्धि दी हमको, समझो करो, मना नहीं, निषेध नहीं है, मैं आपको यहाँ डरा धमका कर ऐसा नहीं कहूँगा कि भगवान कृष्ण की भजन करो वरना ठीक नहीं होगा, नहीं निषेध नहीं, लेकिन समझो, अपनी बुद्धि चलाओ, प्रेम से बुद्धि चलाओ अपनी, शास्त्र पढ़ो, साधु संतों की संग करो, है ना, और हमारे जो महाजन हैं उसने क्या किया उसके बारे में भी पढ़ो सुनो और फिर करो, मजा आएगा, आनंद आएगा जीने में, है ना, मनुष्य देह है ना ऐसे दुख उपाधि चिंता लेकर मरने के लिए नहीं दिया भगवान ने, है ना, आनंद के लिए दिया है, आनंद चाहिए ना सबको, सबको आनंद सुख चाहिए, है ना, मरने के लिए नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम मन से दुखी रहते हैं, तो आनंद चाहिए ना तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, जो आनंदित है उनके पास जाना पड़ेगा, आपको चोर बनना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, जो चोरी करने में एक्सपर्ट है उनके पास जाना पड़ेगा, अच्छा चोर बनोगे, आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अच्छे बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा, आप अच्छे डॉक्टर बनते तो उसकी गाइड लेनी पड़ेगी, गाइडेंस में रहना पड़ेगा, वैसे आपको आनंद में रहना है ना तो जो व्यक्ति आनंद में है ना उसका संग करना पड़ेगा, और आनंद में कौन है, वेदव्यास जी श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में पहला श्लोक कहते, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी भागवतम शुरू करने से पहले किसको प्रणाम करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। कौन है भगवान श्री कृष्ण? उसका स्वरूप क्या है? सत चित और आनंद। भगवान शाश्वत है। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद। तो भगवान स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, है ना। उसका सामर्थ्य क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, अन्न देते, पानी देते, हवा देते हैं, और सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। और तीसरा है सामर्थ्य आ गया भगवान का, और भगवान का स्वभाव। स्वभाव क्या है भगवान का? जो भगवान का शरण लेता है ना, तो कहते तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप है। जैसे देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, कभी अतिवृष्टि होती है, बहुत ताप पड़ता है, बहुत ठंडी लगती है, बाढ़ आई केरल में, देखिए आप कितने लोग मर गए, अनेक प्रकार के भूकंप आता है, सुनामी आती है, देवता के द्वारा दुख मिलता है। आदि देवी, आदि भौतिक, हमारे स्वजनों के द्वारा दुख मिलता है ना, या फिर समाज के द्वारा दुख मिलता है, पत्नी के द्वारा दुख मिलता है, पुत्र के द्वारा दुख मिलता है ना, है ना, हमारे समाज के द्वारा दुख मिलता है, या फिर आतंकवादी कोई दुख देता है हमको, और आदि आध्यात्मिक मन के द्वारा दुख मिलता है। कुछ ना कुछ व्यक्ति दुखी है। तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। कोई व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेगा ना, तो उसके तीन तापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे भगवान को मैं श्री कृष्णाय वयं नमः वेदव्यास जी कहते मैं प्रणाम करता हूं। वेदव्यास जी से कोई बड़ा नहीं है ना, वेदव्यास जी प्रणाम करते भगवान, समझो, प्रेम प्रेम करो। देखो भक्तों, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ मेरा प्रवचन, उससे पहले निवेदन करता हूँ आपको कि थोड़े आपको कटु वचन लगे होंगे, अगर बहुत कटु वचन लगे तो क्षमा करो मुझे, लेकिन जो सत्य है सत्य है। कल जो प्रसंग है वो प्रसंग पितामह भीष्म के ऊपर होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा कैसे की, वो प्रसन्न होगा ना। और शुरुआत में दुर्योधन को, जो दुर्योधन है उनको भी किस तरह से, जो आखिरी दिन 18 महाभारत का 18वां दिन था, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पितामह भीष्म की मृत्यु तक हम ले जाएंगे, पितामह भीष्म ने अपना शरीर कैसे छोड़ा, और पितामह भीष्म से हमको सीखना चाहिए कि हमको भी मनुष्य देह मिलाए तो हमको भी शरीर हमारा कैसे छोड़ना चाहिए, पितामह भीष्म सिखाते हैं। तो कल इस तरह से हमारी एक टॉपिक पर कथा होगी, तो आप आइए, है ना। देखो थोड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? क्वालिटी से मतलब है। लाखों लोग आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर 10 लोग भी हो गए, लेकिन प्रेमी होगा ना, मजा आ जाएगा। सुनने का प्रेमी होना ठाकुर जी की कथा, है ना, और एक्सेप्ट करना श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठे ना, बोले 10 व्यक्ति हो ना और लाखों के बराबर है ना। इसे कितने भी हो, लेकिन ध्यान से मनन करिए, चिंतन करिए कथाओं का, क्योंकि कथा तो आपने बहुत सुनी है ना। नारद जी बद्री का आश्रम में गए, सनत कुमार मिले वहाँ, और सनत कुमार ने उनको कहा क्यों दुखी हो, नारद ने कहा मैं पृथ्वीलोक में गया था, पृथ्वीलोक से दुखी होकर आया, लक्ष्मी भक्ति दुखी थी, ज्ञान वैराग्य दुखी था, उसका उद्धार के लिए मैंने अनेक श्लोक बोले, फिर भी जगह नहीं हो, और मैंने तुरंत वेद पाठ का पठन किया, दुखी होकर मैंने आकाशवाणी सुनी, और आकाशवाणी ने कहा कि सत्काम करो, और सत्काम मैंने सोचा कौन सा सत्काम है, मैं यहाँ आया, तो आप मुझे बताएं सत्काम कौन सा है। संत कुमार ने कहा कि सत्काम ये है, श्रीमद् भागवत की कथा कहो, श्रीमद् भागवत की कथा आनंद घाट में हुई, और आनंद घाट में श्रीमद् भागवत की कथा हुई, ज्ञान और वैराग्य वापस जीवित हुए, भगवान प्रकट हुए, और कीर्तन हुआ, और भगवान ने सबको वरदान दिया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपने कथा सुनी है, लेकिन साथ में क्या सुनना है? सिद्धांत सुनना है। जब सिद्धांत सुनोगे, कथा तो बहुत सुन ली हमने, है ना, उस कथा की कैसे हम घिस चुके हैं, लेकिन हमारा परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन तब होगा जब सिद्धांत सुनोगे कि कीर्तन से क्या लाभ होता है, भगवान प्रकट हुए तो भगवान को कीर्तन कितना प्रिय है, हमको क्या करना चाहिए,
हम कौन है, हमारा वास्तविक संबंध किसके साथ है, हम दुखी क्यों है, ये सब सिद्धांत है ना। इससे चैतन्य महाप्रभु कहते सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस। सिद्धांत बोलने में या सिद्धांत सुनने में आलस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है, ये स्वयं भगवान बोले। इसे कुछ अगर आपको गलत लगा हो तो मुझे क्षमा करना, अपना छोटा मानकर पुत्र मानकर, ठीक है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप दूसरों का भी भला चाहते हो तो आप इतने लोग आए हैं और आपके मित्र को कहिए, अभी दो दिन है हमारे पास, हम कथा करेंगे और जो भी उपदेश मिले, संदेश मिले भगवान का, उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारकर जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।